लेक्चर लाइव हो चुका है यूट्यूब पे भी, यू कैन ज्वाइन ओवर देयर एज वेल। ठीक है जी, नाउ वी शुड स्टार्ट। एक मिनट में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। डायग्नोस्टिक सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, ओके चलिए। मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। मनप्रीत, रिपिका, रिपका सॉरी, सोनाली, सोनाली, जगजीत कौर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। गुरप्रीत सिंह, काजल, मनजोत कौर, श्रुति, वेलकम बैक श्रुति, गगन मेहरा, अमनदीप कौर, विक्टर, मनदीप, मनप्रीत सिंह, शुभम, एवरीवन गुड, मुस्कान, विकास, चांदनी, हरमन, एवरीवन गुड, पल्लवी, चलिए गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। टॉपिक करने से पहले मैंने अपना जो वादा किया था, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि भाई जी, एक पहली बात तो है, आपको पता है व्हाट इज CHCL? कल किसी बच्चे ने ग्रुप में नोटिस भी भेजा था, यार मेरे को इतना नहीं पता चलता, आप ध्यान रखा करो इन चीजों का, ठीक है? जो भी UPSC या SSC एग्जाम निकालती है, इनका ध्यान रखा कीजिए। CHSCL कुछ ऐसे है, हायर सेकेंडरी है ना, SSC का एग्जाम है ये, प्लस टू वालों के लिए एग्जाम होता है बेटा, जिन्होंने क्लैरिकल लेवल की पोस्ट पे करना है। अब आप बोलो कि सर हम क्लैरिकल लेवल का क्यों एग्जाम दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अभी आपके लिए जो मेन मोटो है, इट इज सिक्योर ए जॉब, बिकॉज यू शुड नो एंड देर इज ए चेंजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दे दो, ठीक है? यू शुड गेट टू नो, कभी इतनी बार एग्जाम दे लोगे ना आप, क्योंकि इसका जो एग्जाम बैटर मैं अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज सिमिलर टू वट वी आर डूइंग इन द CAPF, ठीक है? बट बहुत लो लेवल का होगा, CFC का मतलब 15-20% सारा, ठीक है ना, CAPF का। ओके, जो हमें चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी पेपर वन है, पेपर टू है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके पे होगा, डिफरेंट डेट पे होगा, ठीक है जी? पेपर वन में वही चार इनके जो मेन टॉपिक्स आएंगे, मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ भी हूँ आपको। एक तो ये चीज करनी है, एक CDS का भी फॉर्म आ रखा है, आपको पता है CDS 2 लिखा होगा वहां पे, जो आई थिंक लास्ट डे है उसका 17th November। ओके, तो चाहे आपने इस बार दिया था नहीं दिया था, कोई इशू नहीं, आपने ये भरना जरूर है, ठीक है जी? ये दो एग्जाम आपने भरने हैं, सिर्फ मात्र 100 रुपए का ये एग्जाम है, और ये तो लड़कियों के लिए तो मुफ्त है CDS, तो वैसे 100 या 200 रुपए का ये एग्जाम है मात्र, और कोई नहीं है पैसे, ठीक है? भरो जरूर, पेपर जरूर दे के आना, ठीक है? यू डोंट नो कि अभी क्या है, ये क्या करना है, क्योंकि ये अगर तैयारी करते हो तो आप SSC लेवल की एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, जो आगे जाके आपको इंस्पेक्टर बनाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन हो, चाहे कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, या सेक्रेटेरियल लेवल पोस्ट पे लेके जाएगा। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी एग्जाम ये मत कहो कि वो छोटा होता है या बड़ा होता है या ये मैं क्यों करूं, ये प्लस टू वालों के लिए, बिल्कुल जो प्लस टू अभी करके हटे हैं उनके लिए ये एग्जाम है, ठीक है जी? जरूर देना बेटा। अब आप बोलते थे ना प्लस टू वाले के, सर हम तो प्लस टू में है, 3 ईयर वाले बोलते थे कि हम प्लस टू में, हमें कोई एग्जाम नहीं आता, तो एग्जाम आ गया देख लो, ठीक है? आई विल शेयर, किसी बच्चे ने शायद किया था ग्रुप में शेयर, है ना, कैफे से फील होगा, हाँ घर से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, घर में आप इतने टैक्स से भी तो हो, मेरे से तो ज्यादा ही हो गए, अगर मैं इतना काम कर सकता हूँ तो आप तो घर में ही कर सकते हो सारा काम। एक लैपटॉप होना चाहिए, बस एक फोटो की कॉपी होनी चाहिए, यू कैन डू ऑल दैट, ठीक है? जरूर करना बेटा, मेरी तो यही सबसे गुजारिश है कि भैया आप जरूर करो, बाकी दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप, अगर आपका IAS एग्जाम है तो मैंने एक आपको चीज बतानी है अभी, और ये लिख लो अपने साथ में,
अपने कमरे में जहां पढ़ते हो वहां पे लिख के आपने रख लेनी है। आई एम शेयरिंग यू माई इंस्पिरेशन या माई कोट जो मैं आपको बताता होता हूँ। लेट मी राइट इट ओवर हियर। जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगन सिंगल। लेट मी शेयर इट आउट, एक मिनट रुक जाओ बस। सिंगल सॉरी सॉरी सिंगल है। दिस शुड बी योर मोटो। ये दिख रहा आपको, दिख रहा आपको सबको? एवरीवन इज सीइंग दिस? एवरीवन बताओ। ठीक है, तो मैं इस कहावत से या इस आईडियम से, इस फ्रेज से आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, कि यू शुड एक्नॉलेज दिस फैक्ट्स कि आपको 1,000 miles की जर्नी स्टार्ट करनी है। 1,000 miles, 1,000 miles इज योर IAS, दैट इज योर अल्टीमेट स्टेप। ठीक है ना? बट दैट जर्नी शुड नॉट बी कि मैं सीधा आज बैठा, साल 1.5 साल बाद IAS बन के निकल गया। बेटा बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। यू फर्स्ट नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स। व्हाट आर दो स्मॉल स्टेप्स? CHCLCL, CDS, ठीक है, CAPF। ये छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जो कि स्तर इनका बहुत कम है, लेकिन ये सीधी आपको लॉन्ग जंप मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम सेइंग आप 1,000 miles की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो अ सिंगल स्टेप से। रोज एक स्टेप लो, मतलब है कि आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते रहो, बट वो स्टेप्स किस तरफ जाने चाहिए? इन राइट डायरेक्शन, नॉट इन एनी वरी। हर कहीं पे नहीं आप भाग रहे हो, ठीक है ना? कहने का ये मतलब है कि आपने टेस्ट जरूर देने हैं, जितने दे सको, चाहे वो क्लैरिकल के हों, चाहे वो +2 के बाद हों, चाहे वो जो मर्जी हो। नो 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 श्रुति, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल। लेट मी शेयर द नोटिस। आपको दिख रहा बेटा? दिख रहा है? दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 6 तारीख को आई है। लेट मी एनलार्ज इट। अब दिख रही होगी शायद, दिख रही है? ठीक है, तो ये जो जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, ये देखो, कंबाइंड हायर लेवल सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020, जो इसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 15-12 तक अवेलेबल है। ये याद रखो, CDS की नवंबर तक है, तो आप CDS का भरना चाहते हो, जिन्होंने पिछली बार भी भरा था, तो नवंबर तक इसकी डेट है। इसके लिए हम अब स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे आफ्टर 20th। आफ्टर 20th ऑफ दिसंबर वी विल स्टार्ट ए स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए। और मैं कराऊंगा उसकी अगुवाई, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। जिसका इस बार रह गया था, कोई टेंशन मत ले, 2 महीने में इसकी तैयारी मैं करवाऊंगा अच्छे से। और मैं आपको उसका, मैंने बना रखा है इसका सारा प्रोग्राम, आपको बताता भी हूँ, कल कल बताऊंगा, आज नहीं, आज हमें और बहुत काम करना है। तो इसके 2 टायर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। टीयर 1 जो क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में बैठेंगे, मतलब सेकंड पेपर में बैठेंगे। ये सेम डे एग्जामिनेशन नहीं है। पेपर 1 जो होगा वो किसी पहले होगा, पेपर 2 बाद में होगा। पेपर 2 में वही बंदे बैठेंगे। आई थिंक 17 नवंबर है बेटा, किसी बच्चे ने शेयर की थी, आप यूपीएससी की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, upsc.gov.in, ठीक है ना? इसकी तो 15-12 तक है, ठीक है। और ये देखिए इसकी पे लेवल कितनी अच्छी है, दैट इज 63,000 गवर्नमेंट जॉब। इट इज स्टिल ए गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होएगी, ठीक है, यहां यहां तक जा सकती है आपकी इनकम। यहां से स्टार्ट होएगी, देखो यहां तक पहुंचेगी, ठीक है। तो स्टिल गुड जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आपको कुछ पता, वर्किंग चलता है, और इसके साथ साथ आप अपना प्रिपेयर करते रहोगे, नो इशू। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप बहुत अच्छे, मतलब तरीके से इसको मतलब आगे आपकी सेफ्टी हो जाती है। हेलो बीना, चलिए आगे चलते हैं। और क्या दिखाना चाहता था मैं आपको? यस, ये फिल्म ऑनलाइन फिल्म करना होगा बेटा आपको, ठीक है। लेट मी शो यू। तो
ये रिलैक्सेशन है 27 साल तक आप दे सकते हो, अगर आपकी एज SC ST है तो यू कैन गिव इट अस। ये डिग्री वाले भी दे सकते हैं बेटा, ठीक है, ये मत समझो कि सिर्फ वही दे सकते हैं। तो 1/1/2021 तक जिनकी उम्र 18 से 27 साल तक है या जहाँ SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फिर उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 साल तक अगर वो OBC को करते हैं, देख लो सब सबके लिए रिजर्वेशन दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई वीटो है या ये है उनके लिए अलग से है, आगे चलते हैं। 5 साल की रिजर्वेशन है 1/1/2021 को, मतलब आप ऑलमोस्ट अगर 33 साल के हो गए तब भी एग्जाम दे सकते हो, अब क्योंकि अभी यार 2020 चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट सर्टिफिकेशन ये नहीं करना आपने। लेट मी डिस्कस व्हाट इज दैट एग्जाम शेड्यूल। ये इनके सेंटर्स है, हर जगह पे इनके सेंटर होते हैं, इवन जलंधर में भी सेंटर है इनका। लेट मी शो यू, जलंधर में हर जगह पे इनका सेंटर होता है। यू कैन ऑलवेज चेक इट ओवर द UPSC दिस SSC वेबसाइट। कहाँ पे मिलेगी ये देखो, SSC.SR.GOV.IN पे आपको फॉर्म भरना है। आई विल शेयर अगेन दिस मैसेज इन द ग्रुप, किसी बच्चे ने ही भेजा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके तो ये देखो, अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो चंडीगढ़, हमीरपुर, जम्मू, सांबा, शिमला, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर में भी है देखो, लुधियाने में भी है। तो यू कैन ऑलवेज गिव इट ओवर हियर ऑल्सो, बहुत जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा, जहां पे भी आप रहते हो हर जगह पे आपको इसको, महाराष्ट्र में बहुत जगह है, ये देखो कितनी जगह है, आसानी से दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल विक्टर, नो इश्यूज। गवर्नमेंट आपको इवन प्रोत्साहित भी करती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है इसमें तो आपको प्रोत्साहित करती है कि अगर आप दूसरा एग्जामिनेशन देना चाहते हो दे सकते हो, इवन प्रेपरेशन करने के लिए भी टाइम देती है। हेलो रचना, ओके नाउ वी कम ऑन टू द व्हाट इज अ Tier 1 पेपर। Tier 1 पेपर इज नथिंग, दीज 4 सेक्शन विल बी देयर, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इंग्लिश, वही जो आपको CDS में कराई थी, याद है क्यों मैं बोलता हूँ CDS का दो, CAPF का दो। अभी देखो CDS में अगर जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश की आपको प्रेपरेशन कराई जा रही है और क्लास में भी कराई जा रही है, याद है, स्पॉटिंग द एरर्स आएंगे और जंबल्ड वर्ड्स आएंगे, प्रेसिस सॉरी RCs आएंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हेलो प्रियंका, 20th को दिया था, अच्छी बात है, फिर से भर लो रचना, इट्स ओके। तो 20th अक्टूबर, दैट्स वेरी गुड रचना। हाउ वाज द पेपर, कैन यू शेयर द पेपर, अगर आपके पास पेपर है तो आप स्कैन करके या फोटो करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है अगर आपने दिया तो। अच्छा ऑनलाइन था, ठीक है ठीक है, तो शेयर योर इनपुट्स बेटा, जो भी आप, मैंने आपको पहले बताया कि एक ग्रुप बनाओ अपना, स्टडी ग्रुप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का, आप उसमें ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, यार इस तरह से क्वेश्चन आए थे, दिस आई थॉट कि ये कुछ डिफिकल्ट था या ये कुछ डिफरेंट था, ये शेयर करा करो आप, ठीक है ना, कि मैं तो बेटा पेपर दे नहीं सकता है ना, तो मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट इट्स मेरे को मोटा मोटा पता है कि आपके इसमें इंग्लिश नॉलेज आएगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ओके। जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, इसमें देखो जनरल अवेयरनेस इज डिफरेंट, जनरल इंटेलिजेंस इसमें आएगा वर्बल, वर्बल में आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल आएगा इसमें, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी ना, पजल टेस्ट पढ़े थे, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा जनरल। ये देखो क्वेश्चन कितने, 25 इसके, 25 इसके, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन है, जो आप बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स अभी प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे करके आए हो, तो वो सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन विल बी देयर, इसमें आपके सारे आ जाएंगे, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसमें जितना आपने जनरल साइंस में पढ़ लिया है बहुत है बेटा, बहुत है, जनरल साइंस में पढ़ लिया, पॉलिटी में पढ़ लिया, फलाना ढिमकाना, जितना भी आपने आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, उतना तैयारी करके चले जाना बस, बहुत है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 80 मिनट, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, बताया तो है, अब डाउनलोड कर लो, अब इसमें क्या है। सेकेंड पेपर जो होगा, Tier 1 इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, Tier 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें SC आएगा, स्किल आएगा, ये देखो बताओ, ये देखो इसकी लैंग्वेजेस दी हुई है, सिलेबस दिया हुआ, ठीक है ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है, सॉरी सॉरी इस पे, हाँ इस पे स्टैटिस्टिकल पे एक क्वेश्चन आना ही आना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इवन। जनरल अवेयरनेस पे देखो जनरल बताया हुआ, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, ठीक है ना। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू
यहाँ पे एक पेपर टू का भी दिया होगा। यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे है, देखो पेपर टू डिस्क्रिप्टिव क्या आना है आपको, 100 नंबर का पेपर होगा पेन एंड पेपर मोड में, ठीक है। इसमें आपको 33% नंबर कम से कम लाने हैं, इसके बाद में कट ऑफ अलग से बनेगी इसकी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है इसमें, आएगा क्या आपको, ये देखो लिखा हुआ है, 1 घंटा 1 आवर दिया जाएगा 100 मिनट का क्वेश्चन करने के लिए। इसमें आपको ऐसे आएंगे, देखो आइदर हिंदी या इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं, प्रेसीज आ सकती हैं, ठीक है, जो आप ऑलरेडी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो। अरे हो जाएगी बेटा, गवर्नमेंट गिव्स यू फ्री विल, आपको गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आप ग्रेजुएशन करो, ठीक है। तो अगर हो भी जाता है टेस्ट, तो ज्वाइन करने के लिए काफी टाइम लगेगा आपको। इसका पेपर ही ऑलमोस्ट बहुत लंबा होता है, टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर टीयर 3 होगा, तब तक आते आते आपका टाइम बड़े आराम से गुजर जाएगा। अगर नहीं गुजरा तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आई विल ज्वाइन बट आफ्टर आई एम कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, बशर्ते कि आप अगर ग्रेजुएशन शुरू कर चुके हो अभी तक। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली है तो गवर्नमेंट आपको पूरा टाइम देगी खत्म करने को और फिर ज्वाइन करने, टेंशन मत लो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बता दिया मैंने कैसे करना। अच्छा नाउ अगर यहाँ पे एक हमने और बात डिस्कस करनी है और उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको हेल्प करूंगा ऐसे करने में, तो मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, लेट मी स्टार्ट दैट एज वेल। तो ये आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ बेटा मैं, ये है एसए के लिए, ये है सीएपीएफ के लिए, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज फॉर सीएपीएफ, लेट मी थोड़ा सा नीचे कर लूँ। हाँ तो इसके लिए मैं आपको, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट बाय, या यहां से स्टार्ट करने दो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे की, ठीक है, ऐसे को किस प्रकार से लिखना है आपको सीएपीएफ में, और कोई भी ऐसे लिखोगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो किसी एक प्रकार का भी ऐसे हो। ऐसे मैंने आपको बताया 200 नंबर का आता है आपका यूपीएससी में, ठीक है, 120 नंबर का आता है आपको, सॉरी 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 सॉरी, 80 मार्क्स का आता है आपको सीएपीएफ में। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आता है केवल एसेज का, उसमें आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, मैंने आपको बताया था 6 में से 4 को आपका ऑप्शन होता है, और ये हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये 80 नंबर के पेपर को कैसे डील करना है। अगर ये आप मेरे हिसाब से स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस एग्जाम से कम 50 मार्क्स स्कोर करना, 50 मार्क्स 80 में, अगर आप मेरा तरीका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लेके आया था वह मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू रिपका, कोई बात नहीं बेटा। हेलो सोनिया, गुड मॉर्निंग। नाउ आई एम शेयरिंग यू माय पर्सनल नोट्स, तो प्लीज इसका मुल पाना, मतलब पंजाबी च कहने ना मुल पाना, मुल पाना, और अच्छे नंबर स्कोर करना है इसका। तो ये देखो ऐसे में आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले इसको डील करना है, इसको लास्ट पे मत छोड़ना, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। लास्ट पे कभी ऐसे नहीं करना है, कभी भी नहीं, बिकॉज जहां पे आपको 40 या 50 नंबर मिलने थे, या सेम टू सेम, नेहा जी बिल्कुल सेम, उसमें होगा कि वर्ड लिमिट छोटी हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे 300 वर्ड्स की लिमिट होती है, ठीक है, वहां पे आपके 200 वर्ड्स की लिमिट होगी या 150 वर्ड्स की लिमिट होगी, बस आंसर छोटा कर देना और कुछ नहीं है, वहां पे सब क्वेश्चन को डील नहीं करना, यहाँ पे आपको अच्छे से डील करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नेहा, लग गया बेटा समझ। चलिए डू इट फर्स्ट ऑन द पेपर, और ये लिख लो सारी चीजें, ये मेरे नोट्स हैं जब मैंने बहुत टाइम कभी पहले बनाए थे, ठीक है।
और ये देखो मैं उस टाइम इतना मोटिवेटेड था, तो आपके लिए तो मैं अभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ और आप ही मोटिवेटेड हो इसके लिए, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें आपने क्या करना है, मेक साइनोप्सिस फर्स्ट। मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं साइनोप्सिस, लेकिन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको सबको पता है, ये इसी प्रकार से लिखना है और इसी प्रकार से देना है। क्या आपको नहीं पता है वो है कि हु इज दिस पर्सन, अखबारें पढ़ते हो क्या, बस जगबानी पढ़ते हो? यस, हु इज नो न्यू प्रेसिडेंट, ही इज राइट नाउ ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। व्हाट इज, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, प्रेसिडेंट इलेक्ट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट। कब तक ये रहेगा? जनवरी 20 तक। इसकी उपाधि क्या है अभी? प्रेसिडेंट इलेक्ट, मतलब ये इलेक्ट हो चुका है नेक्स्ट टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इट इज, ही इज नॉट प्रेसिडेंट राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपको कल इसका कोट शो करना, और इसका देखो कोट कोट क्या है, करप्शन इज अ कैंसर, ठीक है, अ कैंसर दैट ईट्स अवे एट ए सिटीजन्स फेथ इन डेमोक्रेसी, डिमिनिशेस द इंस्टिंक्ट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसका मतलब समझा आपने? इसका मतलब समझा आपने क्या है? ये बोल रहा है कि करप्शन एक कैंसर है, ये ऐसा कैंसर है जो एक सिटीजन के फेथ को, एक सिटीजन के एतबार को डेमोक्रेसी से उठा देता है, कि उसको अब एतबार नहीं है कि डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है, कि अगर कहां पे करप्शन होगी तो, ठीक है। और क्या क्या कर सकता है? इनोवेशन और क्रिएटिविटी को ये स्टाइफल करता है, स्टाइफल का मतलब कम करता है। तो अगर आपने कोई ऐसे लिखना है, सपोज द ऐसे कम्स कि करप्शन अ मेजर इंपेडिमेंट इन ए नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, करप्शन अ मेजर इंपेडिमेंट, व्हाट इज इंपेडिमेंट, आई विल अभी बताता हूँ, इंपेडिमेंट टू अ नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब समझो, करप्शन एक बहुत बड़ा बाधा है, बाधा मतलब रोड़ा है, एक पत्थर का है, एक पत्थर है जो एक नेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने से रोकता है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके पास इस तरह का एक रेडी, पहले का पहला कोट होना चाहिए। रोज मैं आपको कोट दूंगा, 10 कोट्स रेगुलर याद करने हैं, और मैं किस किस तरह प्रकार के दूंगा, देखो देखो ध्यान से, दीक्षा जी इस तरह ध्यान दीजिए, सारे बच्चे इधर ध्यान दो, 10 कोट्स रेगुलर दूंगा, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, ठीक है, चाहे वो कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं, उसका भी मैंने बनाया हुआ, देखो चार्ट, लेट मी शो यू, जैसे ये गवर्नेंस पे है, और ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो, इनजस्टिस एनी वेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है, तो जस्टिस, गुड गवर्नेंस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्राइम, टेररिज्म, नक्सलिज्म, इस पे हर जगह पे ये आप कोट यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने यूज करना होगा ये, एजुकेशन डज नॉट गिव यू लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है ना, नीड फॉर हायर एजुकेशन, लिटरेसी डेवलपमेंट, इंडिया इज लैकिंग इन्वेंशन एंड रिसर्च, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंडिया इज लैकिंग इन्वेंशन एंड रिसर्च, तो आप सबसे पहले ये कोट लिखोगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक सेटिंग होगी कोट की। अगर आप कोट नहीं लिखते हो बेटा, तो एग्जामिनर इंट्रोडक्शन में नंबर तो नहीं काटेगा आपके, लेकिन ये है कि अगर आप उसको अच्छे से निखारोगे, आपको पता है ना लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं, लड़कियां तो वैसे भी जा सकती है शादी में, ठीक है, और अगर आप अच्छे से HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप करोगे, तो कौन सा ज्यादा बेटर है आपको पता है, ठीक है ना। तो जितने आप कोट डालोगे इंट्रोडक्शन में और एक दो आधा और कहीं पे भी, तो आपका HD मेकअप हो रहा है, ब्रश मेकअप हो रहा है, एयर ब्रश मेकअप हो गया, आई डोंट नो मेरे को ये कहाँ से पता चली चीजें, बट देखता रहता हूं मैं भी। चलो
आई एम सो अगेंस्ट इट बेटा, मैं कभी यूज नहीं करता उसको। मैं तो एक बार मेरी शादी पे गया था तो 5,000 रुपया खर्चा, और उसके बाद मैंने उसका हाथ जोड़े। वो कहता मैं आपके घर आके कर जाऊंगा एक बार और। मैंने कहा भाई अब तो मैं जिंदगी में नहीं कराता। क्या किया, आधा घंटा में साँझ करके भगा दिया। उसके बाद में कभी गया नहीं मैं। ठीक है चलिए, तो कोट इज जस्ट लाइक दैट, इट्स लाइक मेकिंग दैट ओवरऑल एसे, ठीक है ना, एक तरीके से जाएगा, फ्लो से जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगा ये किस किस प्रकार से हमने करने हैं, कौन सा कैसे याद करना है। ठीक है, और जैसे अब ये आपको समझ लग गया ना बेटा, आगे चलते हैं, लेट मी शो। तो कोट इतना ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको लिखा रहा हूं वुमन एम्पावरमेंट पे, ऐसे वी आर डूइंग एन एसे ऑन वुमन एम्पावरमेंट। पहली बात वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, और कभी भी वुमन एम्पावरमेंट ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। वुमन एम्पावरमेंट ऐसे लिखो, आएगा चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स आएगा, या आएगा आपको कि भाई वुमन एम्पावरमेंट, इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। या आप लिखेंगे भाई अ ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट अ ड्रीम ऑफ अ न्यू इंडिया, इस तरह से कुछ ऐसे आएगा। तो आपको उसकी भावनाओं को समझना है भाई, किस तरह का वो ऑथर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं, आपको फ्यूचर के बारे में बताना है, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नए इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और जब भी आपको स्टार्ट करना है तो लेट मी शो यू सम कोट्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, लिखे भी होंगे, लेट मी शो यू, एक मिनट, या लाइक दिस। ठीक है, इनमें से कोई भी याद कर लो, कोई भी, सारे इस पे अच्छे से काम कर सकते हैं। लाइक मेरा फेवरेट है ये वाला, और मेरा फेवरेट है ये वाला, ठीक है। तो मार्गरेट थैचर, एनीबॉडी नो हु इज मार्गरेट थैचर, ही वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, मार्गरेट थैचर, एनीबॉडी, नहीं आता, एनीबॉडी, YouTube वालों समय लग रहा है, YouTube पे तो कोई ने ज्वाइन ही किया आज। ऐसे चला रखा है मैंने। यूके, यस यूके, यूके की ये फीमेल फर्स्ट प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो उन्होंने क्या बोलते, अब देखो क्या बोलते, कितना अच्छा वर्ड है। इफ यू वांट समथिंग, आपको अगर कोई किसी से कोई चीज कहलवानी है तो यू शुड आस्क अ मैन, ठीक है। इफ यू वॉन्ट समथिंग डन, आस्क अ वूमेन। अगर आपने पहले ऊपर वर्ड में ये लिख दिया, हाँ सभी कुछ समय सेंड करूंगा, आप मत कुछ करना है, आप भी तो करके दिखाओ सर, ये देखो मैंने पेपर किया है और ये मेरा लेवल है। पहले आप मेरे को लेवल तो बताओ अपना, आप पेपर अटेम्प्ट करो नहीं, बस मटेरियल इकट्ठे करते रहो, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। यू नीड टू गिव मी एसे राइट करके, अगर आप मेरे को, जब मैंने आपको संडे का टेस्ट दिया है वो दीजिए पहले मेरे को करके, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या मटेरियल कहाँ पर कहाँ पे देना है। तो अगर मैं अगर इसका हिंदी अनुवाद करना चाहूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक आदमी से पूछें, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक महिला से पूछें, इसका मतलब समय लग रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एनीबडी? अगर आपने ये वर्ड लिख दिया तो डिड यू कवर दिस होल टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, इसको फ्यूचर के साथ भी जोड़ दिया, इसको आपने सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ दिया, ठीक है, ये समझ लग रहा है आपको। देखो और देखो, हमारे जो आप ये भी डाल सकते हो, और बीच में अगर आपने शुरू में ये डाल दिया तो अगर आपको बीच में एक और पॉइंट बताना है और उस पॉइंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, वुमन की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो कैन यू यूज दिस,
ध्यान से पढ़ो, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमन हैव अचीव्ड। ये समझ लगी है? बताइए कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं? करूं, चलो मैं करके बताता हूं आपको। ये बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि मैं एक समुदाय की प्रगति को मापता हूं जिसके साथ महिलाओं ने प्रगति डिग्री हासिल की है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि मैं किसी भी कम्युनिटी की, समुदाय की प्रोग्रेस को इस तरह से देखता हूं कि उसमें कितनी महिलाओं ने प्रोग्रेस की है। जैसे आपको पता होगा कि मुस्लिम्स में क्या होता है कि दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, ठीक है ना, दे वुमन एजुकेशन को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसमें जल्दी ब्याह करने का भी बड़ी रीत होती है, अगर आपको पता हो कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें एक और भी चीज बता सकते हो, डू यू नो वट इज ए एस ई आर? ये एनुअल एक स्कूल जो एजुकेशन सर्वे होता है वो है, ठीक है ना, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ए एस ई आर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि जो लोग मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और उसमें भी जो कंजर्वेटिव होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, वो उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, डू यू नो वट इज एच डी आई? ठीक है ना, एच डी आई वॉट इज दैट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हर कंट्री की होती है, हर कंट्री में बनाई जाती है, और इसमें लिटरेसी और एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है, इसको काउंटिंग करते टाइम में। तो उनका एच डी आई लेवल बहुत ही नीचे लेवल का होता है, तो ये आप बता सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बता सकते हो इस तरह से, ठीक है जी। तो ये देखो, ये आपको इस पॉइंट को एम्फोसाइज करने का, आपने इस पॉइंट को शुरू कैसे करना है, मतलब इस पॉइंट को अगर आपने डिस्कस करना है कि भाई अकॉर्डिंग टू द फाउंडिंग फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन या फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, कोट पाके, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी विद द प्रोग्रेस विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस द वुमन हैज अचीव्ड, ठीक है ना। उसने ये चीज मतलब बता दी, आपने ये चीज कलेक्ट किया, आगे आगे इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, कि दैट लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, दैट अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इन ए सोसाइटी एज वेल एज फैमिली, ठीक है, टू कोलैबोरेट माय पॉइंट, टू गिव मोर कॉन्क्रीट एविडेंस टू माय पॉइंट, आई गिव द एग्जांपल ऑफ एएसआईआर सर्वे इन विच दिस थिंग हैपन। ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक पूरा पैराग्राफ बन गया आपका, ठीक है। तो कोट्स मैं आपको क्यों बोलता हूँ याद करने के लिए, ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन आपने दे दी जब आपने बता दिया कि वुमन का कितना बड़ा रोल है, और अगर बहुत अच्छे हो आप इंग्लिश में तो ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कर पो, हु इज कोफी अनन, ही वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उसी तरह इसके कोट भी अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और गांधी जी ने भी इसके ऊपर बोला, ठीक है, और ये देखो कितनी अच्छी है लाइन, कहते हैं कि अगर आप एजुकेट करते हो मैन को, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक मात्र एक प्राणी को आप एजुकेट करते हो, एक आदमी को एक एजुकेट करते हो, लेकिन अगर आप एजुकेट करते हो एक वुमन को, यू एजुकेट अ फैमिली। कितनी बड़ी लाइन है ये देखो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ये तो आसान है, ये तो रट्टे मार सकते हो यार, है ना। और इनका यूज आप हर कहीं पे कर सकते हो, जहां पे आपको वुमन की, नारी से शक्तिकरण की बारे में पूछा गया है, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन की जो व्यथा है उनके बारे में पूछा गया है, वुमन का इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा गया है, ये सारी चीजें आप वहां पे डील कर सकते हो। वुमन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली लाइन हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करनी है, तो सीधी बात लिखो, वुमन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। उसके बाद ये लाइन लिख दो, एजुकेटिंग, बाय एजुकेटिंग ए मैन वी एजुकेट एन इंडिविजुअल, बाय एजुकेटिंग वुमन वी एजुकेट अ फैमिली,
ठीक है ना? तो आपने सब कुछ बता दिया इंट्रोडक्शन में ही कि आप किस तरफ जाओगे, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी। चलो अच्छी बात है संजय नाहर जी। और लास्ट वाली ये एक मेरी ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने बोली, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चाहे लिखो या ना लिखो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ये वाली लाइन ये मेरा फेवरेट है वैसे, ठीक है? तो आई थिंक वुमन आर फुलिश टू प्रिटेंड दे आर इक्वल टू मैन। ऐसा लगता है ना ये लाइन पढ़ के कि आप तो गलत तरीके से जा रहे हो, ठीक है ना? कि ये तो लाइन ही गलत होनी चाहिए कि ये अगर इक्वल नहीं है, हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा कि ऑथर क्या बोल रहा है देखो, कह रहा आई थिंक वुमन आर फुलिश, कि वुमन मूर्ख है ये समझने के लिए कि वो इक्वल टू मैन है। दे आर फार सुपीरियर एंड ऑलवेज हैव बीन, समझ रहे हो? वो मैन से ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ऊपर है हम मैन से, ठीक है ना? वॉट एवर यू गिव ए मैन वुमन शी विल मेक ग्रेटर। जो कुछ भी आप एक 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 नारी को दोगे वो डबल कर देगी, उसको एम्पलीफाई कर देगी, उसको स्प्रेड कर देगी, ठीक है? इफ यू गिव हर स्पर्म शी विल गिव यू अ बेबी, ठीक है ना? इफ यू गिव हर हर हाउस, हाउस होता है घर, ठीक है ना? उसको होम में तब्दील कौन करती है? वुमेन। इफ यू गिव हर ग्रोसरीज, उसको अगर आप खाना लाके रॉ मटेरियल लाके दोगे वो आपको एक अच्छा सा खाना बना के देगी। इफ यू गिव हर ए स्माइल शी विल गिव यू हर हार्ट एंड शी मल्टीप्लाइज एंड लार्जेस्ट व्हाट एवर इज गिवन टू हर। इसके आगे भी है पर मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग यू कैन एम्फसाइज अपॉन, ठीक है? अगर आप शुरू में ये लग पाओ तो आप ये आपका ऐसे का जो ओवरऑल जो टच है ना वो एक नॉर्मल बंदा, सोचो अगर नॉर्मल बंदा कोई बंदा लिख रहा है ऐसे तो क्या वो चीजों को जाहिर करेगा? नहीं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, ये आपके ऐसे में कोहरेंस लाता है कि भाई क्या बात है, बंदे ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, दिमाग में है, मतलब ये सोच सकता है, ये आपकी लेटरल थिंकिंग को डेवलप कराता है, ठीक है? दूसरी बात, अभी कोर्स वाला हो गया, कोर्स आपको कितने देने हैं? मिनिमम एक देना है, कम से कम एक देना है, ज्यादा से ज्यादा तीन देने हैं, तीन से ज्यादा नहीं देने, ठीक है? और कंक्लूजन में अभी अभी भी बोलूंगा, कंक्लूजन में कोई देयर शुड नॉट बी अ कोट देयर, कोई कंक्लूजन में कोट नहीं होगा। कोट कहाँ दे सकते हो? इंट्रोडक्शन में, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू या पैराग्राफ थ्री में, इनमें से कहीं पे भी दे, इंट्रोडक्शन में एक देना जरूरी है, उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर एक देना चाहते हो एक्स्ट्रा या एक और देना चाहते हो एक्स्ट्रा तो ठीक है, पर तीन से ज्यादा कोट नहीं होने हैं, समझ रहे हो ना? अगर आप ज्यादा मेकअप कर लेते हो तो वो भी भूतीले लगते हो, ठीक है ना? भूतीले, ठीक है? तो ऐसा होता है वैसे कि आप घर जाते हो लड़की जब शादी करके और जब वो उतारती है मेकअप, तो एक लड़के ने तो उसके ऊपर केस कर दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये बहुत रहा था न्यूज में। ओके चलो, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, नाउ आई शुड टीच यू समथिंग अबाउट, यस। तो हमने बात कर ली है कोट की, इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन को किस तरह से आपने आगे लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद आती है बॉडी, पैराग्राफ वन या टू। सी द टॉपिक विद डिफरेंट एंगल्स, कोई भी अगर चीज आती है तो उसको डिफरेंट एंगल से देखो, चाहे वो हर जगह पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकली आपने देखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये वाली, देखो सपोज इफ आई एम राइटिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? कैन यू रिलेट इट विद हिस्ट्री? को हिस्टोरिकल फिगर जो आपको पता हो, रानी ऑफ झांसी, ठीक है? ये तो सबको पता है, ओके? आप क्या इसको रिलेट कर सकते हो? किसी और को पता है? कोई और कोई जो हो, ठीक है ना? सरोजनी नायडू, ठीक है, ओके। महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया। रजिया सुल्ताना, बहुत बढ़िया। आर यू गेटिंग दे नो कि आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे? लेट मी राइट इट ओवर हेयर ताकि आपको ये मैं करवा सकता हूँ, एक मिनट, लेट मी टेक्स्ट इट ओवर हेयर। इंडियन हिस्ट्री दिख रहा आपको? एग्जांपल
examples of women leading in various spheres. एक मिनट ऑफ एक्टिविटी दिख रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हो, जैसे इस पॉइंट को अगर लेना हो तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो भरी हुई है। रेप्लीट का मतलब होता है भरी होना। ये अभी मैंने पढ़ाया, अभी किसी देख के बनाया कुछ, ये मेरी अपनी नॉलेज ही है इसके बारे में। भाई इंडियन हिस्ट्री में बहुत पन्ने ऐसे भरे हुए हैं जिनमें वुमन ने लीडिंग रोल प्ले किया है किसी भी स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज में। लाइक दैट भी अगर इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि झांसी रानी रेड द रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ सरोजिनी नायडू हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आई थिंक फर्स्ट सेकंड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वे बैक इन 1970s, ठीक है ना। ओके उसके बाद आप महादेवी वर्मा की बात कर सकते हो, रजिया सुल्ताना की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ले सके आप। कैन यू डू 4-5 लाइंस ओवर हियर, इनको कनेक्ट कर सकते हो? बहुत बढ़िया, कर सकते हो। इसी तरह सिर्फ यही बात नहीं है, आप और किसी को भी आप इंक्लाइड क्या ज्योग्राफी के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एक टॉपिक को? अगर मेरे को एक पेपर में आपको जरूर आएगा, एक तो मान के चलो आपको पेपर में आएगा एक आंसर जियोपॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में आएगा रोल ऑफ आर्मी, ये इसी के ऊपर आएगा, जियोपॉलिटिक्स और रोल ऑफ आर्मी पे कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, एक ऐसे आना ही आना है इस पे, ठीक है जी। डन, रोल ऑफ आर्मी पे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है जी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इस पे आप ज्योग्राफी में क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी में आप हिस्ट्री भी डाल सकते हो, इसमें इस टॉपिक में भी आप हिस्ट्री डाल सकते हो कि भाई जैसे डोकलाम इशू हुआ ना अभी, ठीक है, या इंडिया चाइना रिलेशन था, ठीक है, या इंडो यूएस रिलेशन था, इसमें भी आप हिस्ट्री डाल सकते हो। इंडियन यूएस रिलेशन को आपको पता होगा कि 1971 वॉर में पाकिस्तान का साथ किसने दिया था, यूएस ने। हमारा साथ किसने दिया था, रशिया ने। तो वी वर एनिमीज एट दैट टाइम, ठीक है ना, बट नाउ वी हैव फाउंड अ न्यू बोन होमी, ठीक है ना, बोन होमी। व्हाट इज बोन होमी? न्यू फ्रेंडशिप, ठीक है, न्यू फ्रेंडशिप, ठीक है जी। तो यूएस रिलेशन के साथ तो आप ये बोल सकते हैं कि जो डिप्लोमेसी होती है या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। अरे यार इतना टाइप करूंगा तो फिर टाइम नहीं बचेगा ना, तो समझ लिया करो कई बार। बोन होमी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग मोर, हाँ ये आपको समझ लग गया फिर। तो वी कैन गो, हिस्ट्री भी कर सकते हो, ज्योग्राफी भी कर सकते हो, सोशल एंड पॉलिटिकल एंगल भी लेके आ सकते हो। किस तरह से, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी लेके आ सकते हो, अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट का ही ऐसे लिख रहा हूँ, क्या मैं सोशल एंड पॉलिटिकल को किस तरह से लेके आऊंगा, पॉलिटिक्स को लेके कैसे आऊंगा? आप लिखोगे भाई जी द फाउंडर्स ऑफ दिस ग्रेट नेशन ऑफ आवर्स, ठीक है ना, दे लेड द एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू ग्रांटिंग देम फंडामेंटल राइट्स। कौन से फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना आपने, फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे आपने, सबने देखा होगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको दिया जाता है ना कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस जेंडर, ठीक है ना। तो कोई जेंडर के खिलाफ इसमें आपके साथ चाहे वो पे का टाइम हो, चाहे, यस बिल्कुल सही बात है अमित जी, तो जेंडर का हो, चाहे वो पे का हो, चाहे किसी तरह का भी कोई वितकरा है या कोई आपके साथ भेदभाव है, वो नहीं करे। तो ये डाल सकते हो, पॉलिटिक्स का एंगल आ गया एक, ठीक है। आप अपनी नॉलेज जाहिर करना चाहते हो तो आपको ये भी पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक पत्र जो है वहां पे शो किया गया है, डीपीएसपी में भी, ठीक है ना।
और आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत सारी और भी पॉलिटिक्स में भी। अगर रेजर्वेशन, बहुत बढ़िया श्रुति जी, आप रेजर्वेशन के बारे में बात कर सकते हो। यस बहुत बढ़िया हरसिमरनप्रीत कौर, यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल कि भाई हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है जिसके अधीन जो विलेज इलेक्शंस होती हैं या जो ये आ, 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 पंचायती इलेक्शंस होती हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, 1/3 वुमेन्स को रेजर्वेशन दी गई है। दिस इज द इम्पोर्टेंस दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट अवर फाउंडिंग फादर्स हैड बेस्टोड अस, ठीक है ना, कि ये इम्पोर्टेंस दी गई है उन्होंने वुमन के ऊपर। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल के साथ भी जुड़ गया, अब टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ सकते हो कि वुमेन आर मच मोर अवर्स, वुमेन आर मच मोर इंक्लाइंड टू हैव ए टेक्नोलॉजिकली, वो ज्यादा फिजिबल होती हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कराती हैं। यू कैन गिव एग्जाम्पल इन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक आस्पेक्ट्स, कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे? कैन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैरी क्यूरी? कल्पना चावला, बहुत बढ़िया कल्पना चावला, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कल्पना चावला, ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार ऐसे लिखते हो तो एक सोचो, खुद सोचो, मैं आपका ऐसे पढ़ रहा हूं, मेरे को आपको क्या एनालिसिस हो रहा है कि आपने काफी कुछ पढ़ा है, आपको हिस्ट्री का ज्ञात है, आपको 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 इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल्स का भी कुछ पता है, आपने उस चीज को रिलेट किया, तो ये ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है कि मेरे को आपके बारे में पता चले कि आपकी सोचनी कैसी है, आप किस प्रकार से सोच सकते हो। सिर्फ ये नहीं सोच रहे होगे ये वुमन होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो पता ही है यार, सबको पता है कि वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए। आपका ऐसे दूसरे बंदे के ऐसे से कैसे डिफरेंट होगा? इस प्रकार डिफरेंट होगा, कोट आपने डाल दिया इंट्रोडक्शन में, आपने बता दिया कोट और इंट्रोडक्शन से ही आपने बता दिया कि भाई ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है, और उसके बाद आपने ये सब कुछ डिस्कस कर दिया। सिर्फ यही सिर्फ डिस्कस नहीं किया, बाकी लोग सिर्फ यहां तक डिस्कस करेंगे, आपने क्या डिस्कस करना है, ये भी डिस्कस करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या ये बहुत बड़ी बात है? सबने ये नाम सुना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, तो कौन सी बड़ी बात है अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो, है ना। स्वधार गृह है, एक है वो है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करना, आपने जाना है डाउनलोड करना है, आपने सब सबने ये सुना है क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनवाड़ी महिलाएं, तो बताओ भाई क्यों नहीं बताना? गवर्नमेंट का तो एक स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये वाला चीज हो सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है गवर्नमेंट के पास अपना, और कौन कौन सा आंदोलन हो सकता है बताइए मेरे। वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी होता है, मैंने पीजे में होता था तो हमारे वहां पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी है, ठीक है ना। एक अभी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार का भी गठन किया है, ठीक है ना, नारी सशक्तिकरण पुरस्कार भी नाम ने होगा, आपने एक फंड का नाम भी सुना है वो वाला, ये निर्भया फंड, निर्भया का फंड है ना, तो वो कहाँ पे दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। नारी शक्ति पुरस्कार भी गवर्नमेंट ने एक जो है वो किए हैं, ठीक है ना, मनरेगा, यस लिखो, गवर्नमेंट का एंगल लिखना आपका बनता है, ये पैराग्राफ इससे बन जाएगा। अब आप बोलो कितना मटेरियल इकट्ठा हो रहा है आपके पास, ठीक है, एक पैराग्राफ इसका बना दो, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ इसके बना दो, तीन पैराग्राफ तो यही हो गए आपके, क्या दिमाग लगाने की जरूरत है आप? तो इसके अलावा इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना, कोट याद कर लो, सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यूज द, कभी भी पॉइंट जब आप यूज करते हो राइट इन पॉइंट्स, पॉइंट वाइज लिखा करो कि ये चीजें हो सकती हैं, अगर पॉइंट वाइज नहीं भी लिखते हो इट्स ओके, बट आपको ये है कि कनेक्टर्स का यूज आना करना चाहिए। फिर कनेक्टर्स क्या होते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे से कैसे कनेक्ट करना, आई थिंक मैडम ने इसकी क्लास ली होगी, नहीं ली होगी तो मैम को बोल देना, मैम आप हमने कनेक्टर्स की क्लास लो एक बार, ठीक है, कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ना है, इसको जोड़ने की वाली क्लास होती है, नहीं लेंगे मतलब नहीं होगा कुछ तो मैं करवा दूंगा, ये मेरे पास एक पूरा चैट बना हुआ, ठीक है, डू नॉट वरी, ओके, आई विल शेयर यू माई नोट्स एज वेल, ठीक है, लिंकर्स और उसका, यस बिल्कुल सही बात है।
यूज स्केचेस डायग्राम्स फ्लो चार्ट टेबल एंड ग्राफ्स। अब ये क्या भाई नई आपदा मैंने लिख दी यहां पे, बताइए। अगर ये बनाते हो, इस अकेले के 2 मार्क्स हैं, अगर आप बनाते हो तो, अभी बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो, फ्लो चार्ट्स की बात की है। ये देखो दिख रहा है, मैं पॉवर्टी ट्रैप के बारे में बात कर रहा हूं कि पॉवर्टी आपने पढ़ा ही होगा, अच्छा मैम ने ये करवाया भी होगा। बेसिकली ये करवा के मैं अपनी नॉलेज शो कर रहा हूं आपको, क्योंकि एक बंदा होगा उसने इसी पे 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। किसका बेटर एक्सप्रेशन होगा, पढ़ने वाले का या ये वाले का, बताइए। ठीक है ना, फ्लो चार्ट का हमेशा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि एक, अगर पॉवर्टी ट्रैप का मतलब क्या है कि मैं बताना चाहता हूं कि पॉवर्टी किस तरह से हमारे एवरी एस्पेक्ट को ये डील करता है चार्ट की फॉर्म में। ठीक है ना, कि सबसे पहले आपको पता कि जो पॉवर्टी में रहते हैं उनकी लो इनकम होती है, अगर लो इनकम होगी तो उनकी लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो आगे वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी फिर लो इनकम होगी, ये चार्ट बन गया। इसी प्रकार अगर उनकी ये ग्रोथ लो हो गया, ठीक है ना, डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, अगर उनकी लो इनकम होगी तो उनका एजुकेशन का स्तर कैसा होगा, लो होगा, हेल्थ केयर लो होगा, कैपिटल लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब क्या है, कैपिटल ग्रोथ, इसका क्या मतलब क्या है, क्या वो अच्छे से कोई हाई डिग्री ले सकेंगे, नहीं, क्या वो अच्छी कंपनियों में जा सकेंगे, नहीं, क्या वो अच्छे भविष्य की परिकल्पना कर पाएंगे, नहीं। तो मैंने इतना कुछ लिखने की बजाय ये सिंपल लिख दिया, ठीक है, इससे क्या होगा, लो जहां पे भी वो काम करेंगे लो प्रोडक्टिविटी होएगा, क्योंकि आपके पास अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, आपको डिजीज हो जाती है तो 20 दिन ठीक लगने को हो जाते हैं, अगर वही बंदा एक बाहर वाले यूएसए के कंट्री में है तो उसको 5 दिन लगते हैं उस बीमारी में ठीक होने में, तो आपने 15 दिन एक्स्ट्रा लिए बीमारी से ठीक होने में, वो कहां जाएंगे, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो प्रोडक्टिविटी होएगा, आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे फिर वो इसी तरह से विशियस साइकिल चलता रहेगा। रादर देन इस सब चीजों को मैं 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूं, मैंने एक में कर दिया, एक पैराग्राफ भी नहीं लिया, सिंपल फ्लो चार्ट में कर दिया। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आई हैव जिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरी बात, एग्जामिनर को कभी भी अपना दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सोचो एक एग्जामिनर चेक कर रहा पेपर, एक एक लाइन चेक कर रहा हो, तो अगर मैं ये चीज लिख दूंगा तो मेरे को पढ़ना आसान है, मेरे को आपकी भावनाओं को समझना आसान है, तो इट विल बी मच मच ईजियर, ठीक है, फॉर मी टू चेक योर पेपर। तो इसके नंबर 2 नंबर मैं अलग से दे दूंगा आपको, क्योंकि ये चीज किसी तीसरे बंदे ने नहीं बनाई है, ये चीज यूनिक है, आपका ऐसे यूनिक बना देती है। कौन बनाती है, कोर्स बनाते हैं, कौन बनाता, अगर आपने ये लिखा होगा इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया होगा, सिर्फ चार्ट नहीं बना सकते आप, और भी कुछ बना सकते हो, कैसे, लेट मी शो यू। अगर आता है जियो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आता है, डोकलाम इशू पे आता है, वेयर इज डोकलाम, डू यू नो वेयर इज डोकलाम, तो आप कुछ इस तरह से इंडिया का मैप भी बना सकते हो, इस तरह से कि ये इंडिया का है, ये है चाइना, ये है नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, भूटान में इंडिया का भी एक कॉरिडोर है, यहाँ पे चाइना है। श्रुति होगा कैसे, मतलब दिस इज व्हाट, मैं आपको चार्ट बनाने की एग्जांपल दूंगा, आपने चार्ट तो याद ही कर सकते हो आप, ये एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं किसी प्रोसेस को बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको मैं, अगर आपने ये बताना है कि भाई हंगर जैसे ग्लोबल हंगर पे आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि ग्लोबल हंगर The need to improve India's statistics. अभी रिपोर्ट आई है हंगर, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पे, उसमें इंडिया बहुत नीचे स्तर पे है, अभी आई है, बिल्कुल न्यूज रियली आई है, ठीक है ना, जितना भी हंगर, अगर अगर आपने ये बताना है कि और ये अगले अपने 2-3 पैराग्राफ में बताना है, तो रैदर देन उसको आपने बताने कि हंगर से क्या होता है, हंगर से पॉवर्टी आती है, सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यस बिल्कुल सही बात है, यस
हंगर से पॉवर्टी आती है, पॉवर्टी से आप पॉवर्टी लेके हंगर को पॉवर्टी की तरफ लेके, पॉवर्टी से आप ये याद कर लिया, ये देखो पॉवर्टी ट्रैप बना दो, ठीक है। हंगर यहाँ पे क्या लिखोगे, हंगर, यहाँ पे ग्रोथ की जगह हंगर लिख दो, तो बना दिया आपने, लग गया। अगर आप टेररिज्म में आता है, टेररिस्ट का कोई आता है, टेररिज्म पे कोई ऐसे आता है, तो कैन यू अगेन चैनलाइज इट, आप हंगर की जगह इसके आगे लिख दोगे टेररिज्म, टेररिज्म, या ऐसे करो हंगर पॉवर्टी को जन्म देता है, पॉवर्टी फिर क्या कहते हैं मिस एजुकेशन को जन्म देती है, मिस एजुकेशन जब होता है या आपको एजुकेशन ही गलत तरीके से मिलती है तो वो किसको जन्म देता है, नक्सलिज्म को, ठीक है, या वो किसको जन्म देता है, टेररिज्म को, टेररिज्म से क्या होगा, स्प्रेड होगा ये सारा कुछ, ये चीजें ऐसे करके जब प्रोसेस बताना हो कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ टेररिज्म इज हंगर इस पॉवर्टी इस मिस एजुकेशन, तो आप ये चीजें बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते। तो ये क्या दिमाग, अब दिमाग लगाना तो आपका काम है ना, तो आप बोलोगे सर ये रट्टे मारने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ये आपकी थिंकिंग है, किस तरह से आपने कोई भी चार्ट याद किया हुआ है, फ्लो चार्ट याद किया हुआ है, उसको किस प्रकार आप कनेक्ट कर पा रहे हो इससे, यस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक एंगल वो भी ले गया आपने, तो आप किस तरह से इस चीज को सिंपली पुट कर रहे हो, ठीक है ना, तो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, भी चलो अच्छे से लगे हुए हैं तो इसी को हम डील कर सकते हैं। कैन यू कनेक्ट हिडन हंगर या पॉवर्टी एंड स्टार डेवलपमेंट, इनको कनेक्ट कर सकते हो, यस। हिडन हंगर विल लीड टू हंगर, मा हंगर किसको लीड करता है, पॉवर्टी को, पॉवर्टी तो डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना इजी है, देखो इस प्रकार भी कर सकते हो, दिख रहा है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या फर्क पड़ता है, लेबर फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, नेशनल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, पहले इंडिविजुअल लेवल, अगर आप हंगरी हो और माल नरिश्ड हो, लो बर्थ वेट है, आपको बीमारियां लगेंगी, फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी डिक्रीज होएगी, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होएगी, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस होगा, पॉवर्टी लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, और इससे बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है ना। इसका कारण स्वरूप क्या होगा, अगर हम सिर्फ लेबर फोर्स पे देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ फोर्स किस तरह से है, रिड्यूस कैपेसिटी टू वर्क, वही प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट आ गया, लॉस प्रोडक्टिविटी, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोअर लाइफ अर्निंग्स, ठीक है ना। तो सब जब ये रहेगा तो उससे क्या आएगी, नेशनल डेवलपमेंट स्लो होगी, क्योंकि हमारी, अब एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, डू यू नो व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, या पर इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये भी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थोड़ी सी न्यूज भी पढ़ी होगी तो आप सबने, अगर फेसबुक भी पढ़ते हो या फेसबुक में भी रहते हो, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा होगा अभी आपने, कि इंडिया का स्तर जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से नीचे गिर चुका है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में एक आदमी के पास पर कैपिटा मतलब होता है पर हेड, पर कैपिटा मतलब हेड, पर हेड इनकम कितनी है, अगर मैं अगर बात करूं तो उनकी है 1850 के करीब कुछ डॉलर्स वो एक साल में कमाता है, 1 ईयर, और बांग्लादेश में इतनी है और हमारे पास 1847 है, कुछ इस तरह से। क्या ये डाटा शो कर सकते हो आप, बिल्कुल शो कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आप, ये क्या दर्शाता है कि आपका ऐसे लाइवली है, आपका ऐसे मतलब आपको पता है कि भाई आजकल क्या चल रहा है, यू हैव रेड द न्यूज़पेपर, यू हैव रेड द डाटा, यू हैव रेड एवरीथिंग, अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने नहीं पढ़ा ये सब कुछ, मेरा मतलब क्या है कि आप इस चीजों को डेवलप करो, इसलिए रोल, इसलिए मैं क्यों रोल आप डालता हूँ रोज, ताकि आप एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि भाई जी, क्योंकि आपने पेपर लिखना यूपीएससी का, तो आपके पास डाटा होना चाहिए, कोई भी डाटा आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। एवरीवन गुड विद इट, चले चलिए, तो हमने ये बात कर लिया, पॉइंट एंड टेबल चार्ट याद कर लिया, ठीक है, ब्लैक पेन को, ब्लैक पेन से आपने अंडरलाइन करने, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना है,
ठीक है, कोई स्कीम आई है, गवर्नमेंट की स्कीम है वो बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अंदाज, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, सिर्फ दो तीन लाइनों में एलैबोरेट करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी कीवर्ड आपने यूज किया है तो आप उसको इंक्लूड करो या उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू द स्टेटमेंट रिटन बट शो इन आवर ओन ओपिनियन एंड थॉट्स एंड इंटेलेक्ट। ये आपका क्या बताता है, ओपिनियन को बताता है, थॉट को बताता है और इंटेलेक्ट को बताता है। और कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ देखो, डू नॉट यूज कोड्स इन कंक्लूजन, ठीक है। इसमें आपने फाइनलाइज करना है, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आपने फाइनलाइज करना है। आपकी जो भी एक आइडियोलॉजी आपने शुरू की थी, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी है और जो आपने बॉडी पैराग्राफ वन या टू में एक्सप्लेन की है, उसी को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरह से लाइन नंबर इन इन ए जिस्ट इन ए नट शेल इन ए फाइनली या इन कंक्लूजन इन द एंड या ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन या एवरी एवरी कॉइन हैज टू साइड, ये मैं आपको कराऊंगा, ये सब कुछ करवाया जाता है वैसे, ये इंग्लिश वालों का काम होता है, मैं नहीं कराता कि मैं करवाऊं, बट अगर कहीं पे नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। दूसरी बात, आप सबको मैथ आता है ना, आप सबको पता है कि देयर इज ए 200 मार्क्स क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर है, ये सबको पता है ना, कितने घंटे में करना है, कितने मिनट्स में करना है, डन। अब मेरे को बता दे कोई, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उसको कितना टाइम लूंगा मैं, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने मिनट में मेरे को वो क्वेश्चन खत्म करना है, बताइए कोई मैथ है, कोई मैथ वाला, बताइए। बहुत बढ़िया श्रुति, बाकी क्या सो रहे हो, तुम्हारा मैथ क्या घास चरने गया हुआ है? यस गुड। तो इसका मतलब यही है, अगर आप इसको 2 से भी डिवाइड करते हो तो ये आता है 10 या आता 9 मिनट। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 9 मिनट में आपको खत्म करना ही करना है, ठीक है। और ऐसे आपका होता है ईच ऐसे इज ऑफ 20 मार्क्स, तो मतलब 18 मिनट में आपको एक ऐसे खत्म करना है, लग गया समझ। तो चार ऐसे कितने मिनट में खत्म करोगे, 72 मिनट में, 72 मिनट्स। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर 72 मिनट से ज्यादा टाइम होगा तो मैं खत्म नहीं खत्म कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि नंबर के हिसाब से टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये 40% ऑफ योर पेपर है, कितने नंबर का है, 80 का, तो कितना परसेंट बना है, 40%, समझ गए। तो 40% बना, तो 40% ऑफ दैट टाइम शुड बी डिवोटेड टू दिस, दैट इज 72 मिनट्स। अगर ये आप 70 मिनट में कर पाते हो तब भी ठीक है, अगर 90 मिनट में कर पाते हो तब भी ठीक है, ओके। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका टोन सेट करेगा कि एग्जामिनर को आगे कितने नंबर देने हैं। अगर आपने इसको अच्छे से डील किया है और इसमें आपने 50 नंबर से अच्छे नंबर ले आए हो इस ऐसे में, और आते नहीं ऐसे में नंबर, मैं बता रहा हूँ ऐसे में, अगर आप 50 नंबर ले आए हो चार ऐसों में से, है ना, तो एग्जामिनर अगर आपका नीचे ऊंचा नीच हो भी जाता है कुछ, चाहे रिपोर्ट राइटिंग उतनी अच्छे से नहीं होती या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग उतनी अच्छे से नहीं होती है, एग्जामिनर विल कंपनसेट यू, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, उसको उसको पता चल चुका है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट है, आप में कुछ सोचने का, अलग सोचने का कुछ तजर्बा है, कुछ नजरिया है आप में, ठीक है जी। तो एग्जामिनर विल कंपनसेटेड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वो है आर्गुमेंटेटिव टास्क। आर्गुमेंटेटिव टास्क में बताओ कितने नंबर का होता है, बताइए। I think that is of 15 number या either 20 number. I'm not very much sure. 20 के दो आते हैं, तो समझ रहे हो कितना टाइम देना उसको। तो ये बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, और यही मैं देखना चाहता हूं जब आप इस बार पेपर दोगे तो। Everyone got it? ये कब बनेगा भाई टाइम मैनेजमेंट, जब आप रेगुलर मेरे को हर संडे पेपर दोगे, ठीक है।
मैं आपको सैटरडे पेपर दे रहा हूँ, सैटरडे को आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है वैसे ही आंसर शीट करके प्रॉपर, ठीक है। और ये आप पे, अगर आप बुक रख के लिखना चाहते हो इट्स अप टू यू, ठीक है, मैं नहीं चेक करने आऊंगा। अब फ्रैंकली अब मैं ये तो हूं कि आपको नंबर देने के लिए, मेरे को पता तो चल जाएगा आपने बुक से लिखा हुआ कि नहीं, ठीक है। फ्रैंकली आई नो व्हाट योर कैपेसिटी इज, अगर आप मेरे को एफर्ट करते लिखोगे तो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। तो कॉपी मत खोलना, अच्छी बात है, अब बच्चे तो हो नहीं आप, ठीक है। ये नहीं पता चाहिए मेरे को यार बुक उठा के मत लिखना, ये मत करना। टाइम आपने 3 घंटे देना है, वो आप 13 घंटे भी ले सकते हो क्योंकि मैं तो चेक करने नहीं आ रहा, ठीक है। कोई बात नहीं यार, गलतियां भी होगी ना, सारी गलतियां यहीं कर लो, मेरे सामने कर लो, ठीक है। और टीचर, मैं तभी बोलता हूँ कि सारी गलती यहां करोगे पेपर में आपको गुड मिलेगा, वो बिल्ली वाला गुड, समझ लो, ये वाला ऐसे करके बचपन में आपको मैडम बिल्ली वाला गुड देते होते थे, तो वो मिलेगा। तो दैट इज, हाँ यस यस बिल्कुल, गलतियां होंगी तभी आप सीखोगे। यस यस बिल्कुल सुना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप चाहता हूं, जैसे आपको नहीं पता है कि भाई अगर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं पता, यू कैन कंसल्ट वेबसाइट्स, जाओ टाइप करो वेब वुमेन एम्पावरमेंट और सर्च फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है ना। ये ठीक है, ये अभी क्योंकि आप उस तरह से सोच रहे हो, उसको लिंक करने के लिए सोच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। हाँ लिखो खुद, ठीक है, आइडिया ले सकते हो पर लिखो खुद, ठीक है। तो ये देखो 180 मिनट एक ऐसे में आपको 18 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, उसमें आपने 3 मिनट में कम से कम ऑर्गेनाइज करने के लिए देने हैं, 15 मिनट में आपने आंसर लिखना है, 300 वर्ड लिखने हैं, 15 मिनट को 300 से डिवाइड करो तो हर एक मिनट में कितने लिखना पड़ेगा वर्ड्स, आपको डिवाइड कर लो 300 डिवाइडेड बाय, तो 20 वर्ड्स एक मिनट में लिखने पड़ेंगे। इतना मैथ कर लोगे ना बेटा तो तुम्हारा कल्याण हो चुका है, यू आर नोइंग व्हाट आई नीड टू डू, ओके। मोस्टली क्या होता है, इतना बंदों को पता ही नहीं होता भाई ये कुछ भी है, इस हिसाब से भी सोचना है, ठीक है। मैं तो कर रहा हूं बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने देना है कि नहीं देना, या आप बाद में वेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कोट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इवेंट, एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, ये आपने करना है। तो जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने आपको 3-4 कोर्स बताए, वो कर सकते हो। आफ्टर इंट्रोडक्शन मेन बॉडी शुड डायरेक्टली एड्रेस द क्रक्स ऑफ एन इशू, ये क्या है क्रक्स ऑफ द इशू का क्या मतलब होता है बताइए, क्रक्स ऑफ एन इशू ये फ्रेजल वर्ब है, या आप इसका तरह idiom की तरह यूज कर सकते हो उसको, क्रक्स ऑफ द इशू या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू या मेन लाइन अंडरलाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ द इशू या मेन गोल ऑफ द एसे, ठीक है ना, क्रक्स ऑफ द इशू इसको भी बोल सकते हो इस तरह से। हमेशा CAPF में याद रखो, कभी भी मैंने आपको बोला वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हमेशा जैसे अगर आप कल जो आपने ऐसे किया था डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन, ये नहीं आएगा भाई डिजिटल इंडिया क्या है, क्वेश्चन आएगा रियलिटीज ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया पढ़ा ना आपने, डिजिटल इकोनॉमी, रियलिटीज, रियलिटीज मतलब इंडिया के संदर्भ में। अब मैंने यहाँ पे क्या रखना है, देखो मेरे को अगर क्वेश्चन आता है या पेपर में ये चैप्टर आता है या ये वाला टॉपिक आता है, लेट मी राइट ओवर हियर ताकि काफी बच्चों को समझ लग जाए, डिजिटल इस तरह से क्वेश्चन आएगा, रियलिटीज एंड प्रॉस्पेक्ट्स। आधे बंदों को तो ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर आप समझे डिजिटल इंडिया रियलिटीज एंड प्रॉस्पेक्ट्स क्या मतलब है इसमें, क्या मैं सिर्फ डिजिटल इंडिया के बारे में बात करूंगा, नहीं मैं बात करूंगा रियलिटी के ऊपर, ग्राउंड रिपोर्ट, यस बहुत बढ़िया सुमनप्रीत कौर, रियलिटीज का मतलब है कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन पॉपुलेशन है, ठीक है, ये रियलिटी है इंडिया की,
ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, पर फोन की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सीडीएमए फोन जो होते हैं वो भी हैं, पर क्या इंडिया के पास एक रिलायबल इंटरनेट सर्विस है? नो, ठीक है, समझ रहे हो, रिलायबल इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये है रियलिटी ऑफ इंडिया। क्या और क्या रियलिटी है डिजिटल इंडिया की? ये रियलिटी है फेक न्यूज, फेक न्यूज जो कि आपको हेट्रेड फैला रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। क्या आप इसमें मैं डिजिटल इंडिया के बारे में लिख रहा हूँ? नहीं, मैं रियलिटीज लिख रहा हूँ भाई, समझ रहे हो, ये रियलिटी है। स्मार्टफोन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फोन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, क्या वो रिलायबल इंटरनेट है वहां पे? नहीं। क्या एक जो हम डिजिटल इंडिया इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यस, तो यहाँ पे क्या एक रियलिटी और ये भी है, क्या वी हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन? नो, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? हर एक बंदे का एक खाता होगा, ठीक है ना, इसको साथ आप जन धन अकाउंट लिख सकते हो, या जैम ट्रिनिटी की बात कर सकते हो, अगर आपने पढ़ी, व्हाट इज जन धन अकाउंट्स, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, सबके जो है वो अकाउंट खोले जाएंगे, उनका आधार कार्ड उनके साथ लिंक होगा, ठीक है, और आप गवर्नमेंट ये क्यों चाह रही है बता, जनधन अकाउंट गवर्नमेंट को क्या फायदा? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पहले अगर मैं किसी को पैसे देती थी, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट आपके खाते में पैसे डालती थी, खाता आपका होता नहीं था, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टर को देती थी ये काम, कॉन्ट्रैक्टर धांधली करके मरे लोगों का आधार कार्ड उठा के वो आपसे पैसे छीन लेता था, आपके पास पैसे नहीं पहुंचते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो बिचौलिए का काम है ये काम खत्म करते हैं, हम डायरेक्ट हम आपका अकाउंट में डालते हैं, आपके अकाउंट में, ठीक है, जन धन अकाउंट में, आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है, आपके साथ सीधे सब्सिडी ट्रांसफर आपके अकाउंट में होगी, ठीक है। तो आर यू कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स? ये तो एक कर्सरी है, अभी मैं जस्ट आपके साथ जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको पॉइंट बना के दे रहा हूँ, बट इतना कनेक्शन आप में आना चाहिए कि आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखो। ये नहीं लिख रहा हूं कि मैं डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल इंडिया के बड़े फायदे हैं, डिजिटल इंडिया इकोनॉमी में यूज होता है, पॉलिटिक्स में यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है, रियलिटी के बारे में पूछा भाई, आपको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ लगा अगर आप ये सारी चीजें लिख रहे हो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं लगा, आपको नंबर 2 नंबर मिलेंगे सारे, 20 नंबर पे से। दूसरी बात, यस, दूसरी बात है प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स में मतलब है कि और कहाँ यूज कर सकते हो इसका भाई, तो क्या यहाँ पे मैं जॉब क्रिएशन लिख सकता हूँ? डिजिटल इंडिया विल क्रिएट जॉब क्रिएशन, यस, ठीक है, और क्या कर सकता है डिजिटल इंडिया? और इसके ऊपर भी मेरे पास डिजिटल इंडिया के मेरे पास क्या कहते हैं एक कोट है, लेट मी शेयर दैट विद यू, एक मिनट होल्ड करना जस्ट, यस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ, और क्या फायदे हो सकते हैं बताइए। एक मिनट रुकना, उसे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई हैड दैट थिंग, डिजिटल रियलिटीज ऑफ इंडिया, यस, ये देखो मेरे पास एक कोट है, देखो नंदन नीलेकानी का, ठीक है ना, नंदन नीलेकानी, यू नो हु इज नंदन नीलेकानी? Yes. क्या है, हु इज नंदन नीलेकानी? एवरीवन नो इज अबाउट नंदन नीलेकानी? नोबडी नोस? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इन्फोसिस को किसने बनाया है? विप्रो ने इन्फोसिस, कुछ तो पता रखो, बहुत बड़ा इंडिया का टाइकून है ये, ठीक है, नंदन नीलेकानी, यू कैन सर्च इट ओवर नेट,
उसने क्या बोला है, ये चीज बोली है, लेट मी शो यू। ओ आ गया, चेयरमैन ऑफ इंफोसिस। यस, अब ये आपको आंसर के कुछ नया एंड ऐड देगा। क्या बोल रहा है, इंडिया विल बी डाटा रिच बिफोर इट इज बिकमिंग इकोनॉमिकली रिच। अब आपको पता है डिजिटल इंडिया, और कहाँ यूज कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट्स देखो इसके, प्रोस्पेक्ट्स। आप सबको पता है अगर आप फेसबुक पे जाते हो और एक खास पेज लाइक करते हो, या यूट्यूब पे जाते हो एक खास चैनल को लाइक करते हो, तो उसके रिलेटेड जो भी आपके न्यूज एडवर्टाइजमेंट है या चैनल सजेशंस में आने शुरू हो जाते हैं, आपके फ्रेंड सजेशन में आने शुरू हो जाते हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है सारा का सारा डाटा जो आपका है, वो कौन कंपनियां यूज कर रही हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें, नोटिफिकेशन, यस, समझ रहे हो ना। तो ये डाटा का बहुत बड़ा खेल है, डाटा इंडिया के पास बहुत है। अब ये देखो, हमने जो अभी पीछे अगर आपने वो देखा होगा, जब हम प्रोस चैलेंजेस की बात कर रहे थे, या जब हम बात करते रियलिटीज रियलिटीज की, वहां पे आप ये भी लिख सकते थे भाई, देखो इंडिया में बहुत बड़ा स्मार्ट पॉपुलेशन, यस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है, इवन देन वी डू हैव ए डाटा, यस, डाटा का यूज कौन कर रहा है, बाहर वाली कंट्रीज, तो डाटा सिक्योरिटी है, नो, दैट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये बताता है कि आपने अपने क्वेश्चन को अंडरस्टूड किया है और उस हिसाब से लिख रहे हो। ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये हम डिस्कस भी करेंगे, कल करेंगे या जब मेरे को टाइम लगेगा, वी विल डिस्कस इट, ये पेपर में कैसे आएगा, क्योंकि अभी गूगल ने कहा है कि हम इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केट में। क्यों कर रहे हैं भाई, गूगल को क्या चढ़ा है कि भाई भाई खुमार सा चढ़ा है कि चलो भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, क्यों कर रहा है भाई इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा स्मार्ट पॉपुलेशन है, स्मार्टफोन पॉपुलेशन है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है, कहाँ पैसे खर्चा करेगा, इंटरनेट बढ़ाओ, इंटरनेट बढ़ाओगे आप उसको ज्यादा क्या, मुफ्त में कोई नहीं काम कर रहा बेटा, यहाँ पे डाटा मिलेगा उनको, डाटा मिलेगा वो आगे जाके कंपनियों को बेचेंगे, समझ रहे हो, आपका डाटा ही उनका एक्चुअल प्राइस, समझ रहे हो। अभी आप सबने सुना भी होगा फेसबुक खास करके बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, किसके ऊपर, कि आप इंटरनेट होना चाहिए भाई, वही वाह वाह वाह, हर जगह पे इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट शुड बी द बेसिक राइट, ये फलाना ढिमकाना है ना, तो उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट भी किया, और इंडिया के रेलवेज में वहां पे आपको वो फ्री मिल जाता है नेट, है ना, हॉटस्पॉट मिल जाता है। आप सोचते भाई इतने इतने दयालु फेसबुक वाले कैसे हो गए, अरे भाई वो आपका डाटा छीन रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, तो ये एक रियलिटी है, डाटा प्राइवेसी इज ए बिग इशू, वी डोंट हैव एनी गवर्नमेंट का एक बिल इसके ऊपर नहीं है, बिल एक्ट उसके ऊपर नहीं है, यह समझ रहे हो। जियो वाले भी बड़े चले हुए हैं, प्राइवेट नेट, जियो ये वाला नेट, वो वाला नेट, आप मुफ्त लीजिए नेट, अरे भाई मुफ्त में यहाँ पे कोई ढेला नहीं देगा राजी, आपको नेट कौन देगा, समझ रहे हो ना भाई, जियो वाला काम है, जो एग्जाम्पल देता हूँ, पहले 2 GB फ्री, चक्को जी चक्को माल, कोई बात नहीं, पहले आपकी भूख बढ़ाई फिर उसके ऊपर पैसे लगा दिए, ठीक है, यस, सब मिल जाता है यार। अरे आप आयल्स के एग्जाम देने जाओ या कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप 10-10 हजार में, 15-15 हजार में, 1-1 लाख, 2-2 लाख बंदा का डाटा, ये बंदा कहाँ पे है, इसका नंबर क्या है, ये कहाँ पे है, कितनी एज है इसकी, कहाँ पे लोकेटेड है, सबको पता लग जाएगा, 10 हजार, 10 हजार, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्राइवेसी, ओके। तो आप जो जाते हो ना कि चल यार किसी का हॉटस्पॉट या कोई ये वाला, यस बिल्कुल बिल्कुल जगजीत कौर, चलो, तो वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो चैलेंजेस के ऊपर लिखना है, प्रोस्पेक्ट के ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके हिसाब से आंसर बनेगा आपका, उसके हिसाब से सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो राइटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ करंट अफेयर्स लिंक टॉपिक विल मेक एन एसे मोर लाइवली। तो अगर आप इस चीज को, तो डिजिटल रियलिटीज की बात कर रहे थे हम एसे में, उसको आप करंट अफेयर के साथ रिलेट करोगे, और ये मैं
यूपीएससी वाले को ही बोल रहा हूँ, सीएपीएफ वालों को भी बोल रहा हूँ, अगर उनके साथ लिंक करोगे बेटा उसके एक्स्ट्रा नंबर है। अब पता चल रहा है नंबर कहाँ से आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि यूएसए में किसी के 1200 में से 120 आ गए, ये यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, 200 में से 120 आ गए, ठीक है 130 आ गए, ये कहाँ से आते हैं भाई। वो सब कुछ ये ऐसे में लिख रहे हैं, तो थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, हर चीज को देखो और हर चीज में डाटा डालने की कोशिश करो। अगर हंगर पे लिख रहे हो तो आपने डाटा एक नहीं दिया तो बकार लिख रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे हो। अगर आप एजुकेशन पे लिख रहे हो और डाटा ASER का एक डाटा नहीं है आपके पास तो आप बेकार हाथ से लिख रहे हो, वो ऐसे का मतलब नहीं, वो तो जर्नलाइजेशन होगी, समझ रहे हो। आपके पास अपनी चीज को सपोर्ट करने के लिए, अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एक भी कोट नहीं है, एक भी ऐसे नहीं है तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। जितना मर्जी ऐसे लिखाओ, जितनी मर्जी वोकैबुलरी डाल दो, जितना मर्जी आपने वो गालो, यस ये कहता फगुल्ले बाटा, आई डोंट नो व्हाट इज फगुल्ले बाटा, एनीवेज तो दिस इज यस लिंक विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी सजेशंस आर इफ दे आर नॉट आज वन पैराग्राफ, इवन इफ अगर आपको चैलेंजेस के बारे में भी पूछा गया है, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी या सजेशन का एक पैराग्राफ जरूर होना चाहिए। दैट्स वाई आई से कि भाई गवर्नमेंट के बारे में पढ़ो, आर या पार नहीं होता बेटा, पार ही होंगे फिर। अगर आप इस स्ट्रेटेजी होती है, आर का मतलब देर इज ए हिंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि नहीं ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, सिस्टम ऐसे वर्क करता भाई, एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ठीक है। ये कोई दिखाता नहीं है, लेकिन ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं इसीलिए ताकि आप इसको याद करो। और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखना, बस आज के लिए इतना, कंक्लूजन क्या लिखना है आपने, आपने सम करना डिस्कशन को, फ्यूचरिस्टिक वे में खत्म करना, वे फॉरवर्ड कैसे लेके जाना, यही लिखनी, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखना, जैसे टॉपिक ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी एंडेड विद द विजन ऑफ एंडिंग पॉवर्टी एंड मेकिंग इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर। कहने का क्या मतलब है, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में लिख रहे हो, डन, उसमें आपने कंक्लूजन में लिखना कि यस वी हैव डिस्कस ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, ऊपर मैं बात करके आ चुका हूं क्या होता है, वी हैव डिस्कस द चैलेंजेस, ठीक है। देयर आर, अगर चैलेंजेस के बारे में पूछा गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आप बोलोगे देयर आर प्लीथोरा ऑफ चैलेंजेस टू बी ओवरकम, ठीक है ना, बिफोर वी बिकम अ फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोनॉमी, फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोनॉमी, ये आपने लिख दिया कंक्लूजन में, ठीक है ना। ये खत्म नहीं करना, इसके आगे एक लाइन और जरूर लिखनी है, वो क्या लिखनी है आपने बेटा, आवाज आ रही है सबको, एवरीवन यस, ठीक है। तो फाइनेंशियल, जैसे मैं लिख रहा हूं कि आपने एक जर्नल लाइन लिख दी कि यस हम मानते हैं कि भाई बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी, लेकिन ठीक है उसके बाद क्या लिखना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज, ठीक है, क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल लीड टू एलिमिनेशन या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी के सर्कल से आप बाहर आओगे एंड इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये पॉजिटिव एंड पे नोट खत्म किया मैंने, समझ रहे हो, इसके अलग से दो नंबर है सिर्फ इसके कंक्लूजन लिखने के, कंक्लूजन भी किसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने ऐसे लिखा जर्नल कंक्लूजन ऐसे के हिसाब से, डन। उसी तरह अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस आउट, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, उसका कंक्लूजन कैसे खत्म होगा पॉजिटिव वे में, कि भाई यस बिल्कुल पता कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, या एक जस्ट सोसाइटी या एक इक्वल सोसाइटी विल लीड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर। कितना अच्छा है, इट्स इजी ना, ठीक है। कि कहने का मतलब क्या है कि कंक्लूजन में आपने कहना कि हाँ जी हमने बहुत अच्छा से डिस्कस कर लिया, ये बहुत जरूरी चीज है, वुमेन एम्पावरमेंट इज इम्पेरेटिव, ठीक है ना, टू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी एंड नेशन एज वेल, ठीक है ना, ठीक है। तो
वीडियो नहीं आ रही बेटा। हेलो, मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है बेटा सब कुछ। एवरीवन ओके? ऑल ओके, ठीक है। ओके, तो नेशन को डेवलपमेंट तो हो गया है, ठीक है जी, बट आगे क्या लिखना है? पॉजिटिव वे, आगे किस तरह से फॉरवर्ड का। अगर हम एक इक्वल सोसाइटी या एक जस्ट सोसाइटी बना के चलते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होएगी, सोशल एम्पावरमेंट भी होएगी, एंड इट विल लीक मेक इंडिया अ लीडर इन द ग्लोब पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। एवरीवन गॉट दिस? तो कंक्लूजन में क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार लिखना है वो बता दिया। अब लास्ट में जो हमने डील करना है कि भाई जी कितना कितना टाइम किस किस चीज को देना है, तो सबसे बारी बात है वो देख लो। आपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है, 50 वर्ड लिखने हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ड्स लिखने हैं। यार इसमें कोट इंक्लूड नहीं होगा, कोट आपका ऊपर ही आ जाएगा, वो कभी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। कितने वर्ड का ऐसे है? 303 वर्ड का। आप कम से कम कितने वर्ड लिख सकते हो? 270 वर्ड तो कम से कम लिखने ही हैं, इससे कम नहीं चलेगा बेटा। ज्यादा से ज्यादा कितने लिख सकते हो? 330। इसके अंदर आपको अपना अटेम्प्ट रखना है, ठीक है जी। 60 वर्ड का आपके पास रेंज है, इससे अगर 280 वर्ड का होया था वेल एंड गुड, 200, 310 वर्ड का, 320 वर्ड का, 330 वर्ड का, इससे ज्यादा लिखोगे तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। ओके, एवरीवन गॉट इट? तो 50 से 60 वर्ड, यानी कि डिपेंड अपॉन, अगर आप इसको भी हिसाब लगा के, अगर एक वर्ड में, अब वो देखो आप मुस्कान, एक ब्लैंक पेज में आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हो? 5 वर्ड लिखते हो, 7 वर्ड लिखते हो, उसके हिसाब से आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। काउंट मत करने बैठ जाना गधों की तरह, ये काउंट कर लो कितने वर्ड्स होते हैं एक लाइन में अप्रोक्सीमेट। अगर 5 वर्ड्स लिखते हो या 7 वर्ड लिखते हो तो आपने 5 को मान के चलना है, ठीक है। कितनी लाइंस अगर लिखते हो, अगर आप 20 लाइन लिखते हो तो आपका 50-100 वर्ड्स एक पेज में कवर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको 3 पेज लगेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप 7 वर्ड या 8 वर्ड लिखते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी राइटिंग होती है, वो आपको देखना होता है, इसीलिए तो कहता हूँ भाई लिख के दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो 50 से 70 वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका बॉडी। बॉडी ऑफ द एसे में जितने भी आपने पैराग्राफ बनाने हैं, कम से कम 200 वर्ड आपने यहाँ पे देने हैं। तो इट कैन बी 180 और इट कैन बी 220, बट नॉट मोर देन दीज वर्ड्स। और लास्ट में कंक्लूजन अगेन शुड बी 30 to 50 वर्ड्स। एवरीवन गॉट इट? कोई क्वेश्चन? अब हमने पूरे का पूरा डिस्कस किया है इतने 1-1.5 घंटे में, तो यही डिस्कस किया है कि किस प्रकार से ऐसे लिखना है, ठीक है। ये मात्र वो चीजें हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपने ऐसे लिखना है। अगर ये ऐसे लिखते हो तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऐसे हो जाएगा। आप 200 नंबर का जीएस का पेपर का तैयारी भी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी भी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो, और आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव हो रही है इससे, ठीक है ना। होएगी कैसे? ठीक है बेटा, वो कैप कैसे डेवलप है? आपने पूरा राहुल, आपने शुरू वाले लेक्चर नहीं लगाए बेटा मेरे रोहित, शुरू वाले लेक्चर नहीं लगाया आपने, तो आप एक बार ना, शुरू में मेरा सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, ठीक है ना। लेक्चर 1 होगा, सबसे पहले आप जो आज मेरा चैनल, अपना चैनल है, उसमें जाकर सबसे पहला जो लेक्चर होगा ना, तो वो देखा है आपने रोहित कुमार, तो वो तरीका अच्छा लगा आपको। एक और तरीका मैं ढूंढ रहा हूँ, बन गया मेरे से तकनीक का वो, क्योंकि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है बेटा, चाचा चौधरी। तो वो भी मेथड मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, किसी ना किसी दिन टाइम मिलेगा तो करता हूँ बेटा, ठीक है, जरूर करेंगे। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक दो दो प्रकार के ऐसे मैंने दो तरीके और ढूंढे हैं कि आपको जिस तरह से याद करवाया जा सकता है। एक, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं हो, ये तो मेरे को पता है, अगर पढ़ते होते तो इजी होता आपके लिए सब कुछ काम करना। तो ऐसे किस प्रकार से आपको वर्ड याद करवाने हैं वो मैंने एक 50-60 वर्ड का ना, 60 वर्ड याद कराने हैं आपको लगातार, ठीक है। वो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें सारे के सारे आंसर्स, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब वो लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, उनको यूजेज लिखी हुई है एक स्टोरी के रूप में, ठीक है।
नीचे मैंने दिया हुआ भाई जी ये की वोकैबुलरी है, इनका ये मतलब होता है, हिंदी में उसका अनुवाद भी किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी अंग्रेजी आसान हो जाए आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अरे भाई यार सारा लेक्चर मैं लूंगा तो बाकी क्या करेंगे। आई विल ट्राई बेटा, जैसे टाइम मिलता है मेरे को, मेरे पास बना हुआ है, मेरे पास तो खाना बना ही होता है, ठीक है ना। आई विल ट्राई कि किसी दिन एक आपका इसी तरह से आज लिया, इसी प्रकार किसी और दिन आपका एक और पेपर ले लिया जाए, एक और पेपर नहीं मतलब क्लास ले लीजिए, ठीक है। अरे यार छुट्टी करने के लिए बड़े काम करते थे, ठीक है ना। मैम से पूछो, मेरे को पता नहीं, हमें तो बोलेंगे क्लास लेनी तो हम ले लेंगे भाई, और क्या। चलिए आज हमने करना था बायोलॉजी का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज आपकी क्लास चलेगी बेटा अप टिल 11, ठीक है। अरे बेटा मैं तो इतना करता हूँ, आप भी उतना करो ना। थैंक यू किलप्रीत, चले आगे। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना बेटा, मैं चाहता हूँ आप मेरे से 2 गुना मेहनत करो, जो मेरे से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा ना, जो मेहनत मेरे से ज्यादा, जितना मैं सोच रहा हूँ। देखो मैंने कोर्स के लिए अलग से बनाया है, कोर्स भी मैं 2 तरह से बना रहा हूँ, एक टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, एक जनरल कोर्स बना रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इसको डबल मेहनत करोगे ना, जब जब से डबल मेहनत करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है, यू विल विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months, अगर आप डबल मेहनत करते हो मेरी जैसे, ठीक है, तो आपका चयन होना, किसी ना किसी एग्जाम को सिलेक्ट होना तय है, इतना तो मान। अब वो 3-4 महीने में लगते हैं, 6 महीने में लगते हैं, या 1 साल लगता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो अगले 1 साल में आपको रिजल्ट दिखेगा, इसका दिखेगा, लिख के ले लो, दिखेगा। हो सकता है इसी बार भी दिख जाए, हो सकता है कि कोई आप में से हो 4-5 बंदे जिनका CDS में हो जाए, मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, तो ध्यान रखिए इसका रिजल्ट जब आएगा CDS का, CAPF का भी मैं मानता हूं, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, चांसेस ऑफ योर गेटिंग सिलेक्टेड इंक्रीजेस, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, सारा मैं आपको सिखा दूंगा, मेहनत आप करनी। हाँ बिल्कुल भर तो रचना जी, कोई सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं इसमें। मान लीजिए ये आपने दिमाग में गांठ कर लीजिए बात, CDS में और CAPF में कोई अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है, आप 25 साल तक जितने मर्जी अटेम्प्ट दो, कोई विल नॉट चेक। और किसी का एक और क्वेश्चन भी था, सर UPSC में क्या काउंट होता है अटेम्प्ट? नहीं बेटा, वो तो एग्जाम ही डिफरेंट है यार। अब आप बोलोगे सर ये इसमें अटेम्प्ट काउंट हुआ कैसे होगा, IAS में तो आपने दिया ही नहीं एग्जाम, तो इसमें काउंट ही नहीं होगा। इनको कंडक्ट UPSC का डरती है, सेम बोर्ड गिव जो आपका IAS का पेपर बनाता है, तो वो UPSC का पेपर, IAS का पेपर और CAPF का भी पेपर वही बनाता है, CDS का भी पेपर बनाता है। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन थोड़े वाटर डाउन फॉर्म में होते हैं, वाटर डाउन का मतलब होता है थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं CAPF में, बट पेपर और बोर्ड वही बनाता है UPSC, ठीक है, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, मान के चलो, ठीक है जी। चलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया आज, मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा क्लास आपकी इस तरह से हो जा करेगी। चलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, इसी तरह मैंने आर्गुमेंट का बनाया है, इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग का बनाया है, ठीक है, मैंने अपने टाइम पे बनाया था, वही आपको दिखाऊंगा। आर्गुमेंटेटिव टाइपिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, ठीक है, इन सब की मैंने एक एक दिन क्लास लूंगा, थोड़े से बारे में बात करूंगा, किस तरह से आपको इनको डील करना है एक एग्जामिनेशन में। जैसे रिपोर्ट राइटिंग तो बहुत इजी है, रिपोर्ट राइटिंग में नो बॉडी विल चेक द वेरासिटी ऑफ योर क्लेम, नो बॉडी विल चेक, ठीक है। सपोज वेरासिटी क्या होती है, मतलब ये समझो आप, आपकी डाटा को कोई चेक करने नहीं जाएगा, पेपर से निकाल के देखने नहीं जाएगा क्या सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपको ऐसे आता है, जैसे एक सॉरी रिपोर्ट आती है कि रिपोर्ट लिखो इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लिखती है रिपोर्ट। आपको कभी वो नेट पे देखा होगा या अखबार में देखा होगा आपने, कोई रिपोर्ट आई है, कोई डाटा आया है, जैसे GDP का डाटा आया है, ठीक है ना, तो GDP श्रंक बाय 7% या 2% या 3%,
ठीक है ना, तो उसके नीचे वो कैसे स्टार्ट करते हैं, याद है? बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है कि कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑलरेडी श्रिंकिंग इकोनॉमी, ठीक है, उसके कारण कोविड आ गया, कोविड के कारण और इकोनॉमी भी श्रिंक होगी, ठीक है ना। इसमें आपको डाटा जरूर लिखना है, और डाटा कोई चेक करने नहीं आएगा, आप बोलो, आपको बस गलती से अपने मर्जी से बना दो कि द रिसेंट जो आपका कौन बनाता है जीडीपी का डाटा, कौन देता है, यू नो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट शायद ऐसे करके है कुछ, ठीक है ना। तो अपने आप से भी बना सकते हो आप, स्टैंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट नहीं ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, ठीक है ना, ठीक है ना, यस, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द जीडीपी श्रंक बाय 7%, ठीक है। उसके आगे अगर आप डाटा और दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट पे डाटा दे सकते हो, इसके रेमिफिकेशन पे डाटा दे सकते हो, वही लिखना है, गप्पे मारनी, बट आपको गप्पे मारने के लिए भी कुछ आना चाहिए। किस प्रकार से आएगा, अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे, कब से बोल रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ो बताओ, जब से मेरी पहली क्लास हुई है, अगर आपने मेरा गुरु मंत्र पल्ले बांध कर रखा होता तो यू विल हैव बेसिकली नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास, यस यस यस, रोहित कुमार रिमेम्बर्स, बहुत बढ़िया। चलो अभी भी मानना शुरू कर दो बेटा, अभी अभी मेरे पंजाबी में एक कहावत है कि डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़या, डुल्ले बेरा का मतलब कि अभी भी आपका कुछ खराब नहीं हुआ है, अगर इस बार पेपर भी देते हो तो आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगला पेपर है जून जुलाई में, उस तक आपके दिमाग में सब कुछ बन जाएगा आपके पास। आप मेरे को अगर रेगुलर ऐसे लिख के दिखाते हो, रेगुलर आप मेरे को पेपर लिख के देते हो, ठीक है, अब ये बोलेंगे यार कौन क्यों दूं मैं इतना, ये आपके ऊपर है, देना ना देना आपके ऊपर है, मेरा है आपको काम गाइडेंस करना। सोचो मैं इतने आपको इतने तरीके से बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता, ये सब कुछ मैं खुद फिगर आउट किया, इतना टाइम लगा मेरे को, पर मैं आपको करा रहा हूँ कि आप करो। यस बिल्कुल रोहित कुमार जी, ऐसे राइटिंग वहां पे भी आएगा, पेपर टू में आएगा वहां पे, पर पेपर टू के लिए आपको पेपर वन क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए चलो थोड़ा सा क्वेश्चन हम आज इसको डील करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ डिजीजेस के बारे में हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजीजेस, किस तरह के कौन प्रकार के डिजीज होते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, व्हाट आर और जो पैथोजेंस क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में। इसके बाद इसी के आगे हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी, व्हाट इज वैक्सीनेशन, आपने इंडिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा पढ़ेंगे, इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है IIP उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम आपने सुना होगा नाम, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन कैसे डिफरेंट है वैक्सीनेशन से वो पढ़ेंगे हम, और इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, याद है, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेज, कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की आगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड्स भी कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वी विल डू दैट। उसके अलावा वी विल डू विटामिन और मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स आपको पता है ADEK, ठीक है ना, वाटर सॉलेबल और फैट सॉलेबल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फिर ADEK और BC और C होते हैं, ये यू शुड नो व्हाट आर वाटर सॉलेबल एंड फैट सॉलेबल विटामिन, देन वी विल डू और मिनरल्स भी, खास करके कौन कौन से मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, अगर आप विटामिन नहीं लेते हो या आपकी बॉडी में विटामिन की कमी पाई जाती है तो कौन कौन की प्रकार की डिजीजेस आपको हो सकती है, करेक्टरिस्टिक उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। और एनर्जी ना हो मिले आपको, एनर्जी सोर्सेज ना हो, तो आपने पढ़ा होगा एक डिजीज के बारे में बचपन में, क्वाशकर एंड मरासमस, याद है, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, एक एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो कौन कौन सी डिजीज होती है ये जरूर पढ़ना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं माल न्यूट्रिशन पे, यस बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन, ये हम पहले बात करके आ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे हमने कहा था गोल्डन राइस, ठीक है, कि ऑलरेडी जो राइस अगर आप खाते हो उसमें आप फूड फोर्टिफाई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ली थी आयोडाइज साल्ट की, आयोडाइज नमक, अब जो नॉर्मल नमक नहीं आता है कहीं पे, खारा नमक नहीं आता, हमेशा आयोडाइज्ड साल्ट होता है, आयोडाइज साल्ट का क्या मतलब है, आयोडीन को साथ में किसके डाला जाता है, साल्ट के,
साल्ट के बीच में ही आयोडीन होता है, तो इसलिए क्या होता है कि आयोडीन आपको अलग से खाना नहीं पड़ता। आयोडीन क्या है, एक मिनरल है, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनरल है, उसको साथ में ही भेजा जाता है, किस में, साल्ट के साथ। क्यों क्यों जरूरी है ये, क्योंकि क्या हो सकता है अगर ये नहीं खाते हो तो गोइटर, घेंगा जिसको बोलते हो, गोइटर होने के बहुत चांसेस है ना। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी आप एक चीज जो रेगुलर खाते हो, हर चीज में, हर सब्जी में नमक डलता ही डलता है, हर आपको ये पता ही है ना, वो आयोडाइज करके खाते हो। तो फूड फोर्टिफिकेशन मतलब ऑलरेडी जो सोर्सेस खा रहे हो उसमें ऑलरेडी सारी चीजें हो। अब फोर्टिफाइड आटा भी आ गया, यू नो आशीर्वाद का अगर आप खाते हो, फोर्टिफाइड आटा होता है वो, यस है ना, फोर्टिफाइड आटा आशीर्वाद का आता है, उसमें वो ऑलरेडी कहते हैं कि इसमें बी भी है, सी भी है, सारा कुछ है, विटामिन बी एंड सी, ये सब कुछ है ना। तो वो फोर्टिफिकेशन है, मतलब उसको इस तरह से बनाया गया है, उसमें ऑलरेडी ये सारे तत्व ऑलरेडी डाले गए हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पढ़ेंगे, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ये देखो हंगर रिपोर्ट, अगर मैं ये कराऊंगा आपको, क्या इसका डाटा आप पॉवर्टी में यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। क्या इसका डाटा आप हंगर में रिपोर्ट कर सकते हो, यही बात। क्या इसका डाटा आप टेररिज्म में कोट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। क्या इसका डाटा आप नक्सलिज्म में कोट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। समझ रहे हो, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका दिमाग खुद चलना चाहिए चाचा चौधरी की तरह, समझ रहे हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पढ़े कभी, पढ़े हो क्या, यस बिल्कुल, आपको भी वैसे ही करना है। तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब आप बोलो सर इतना डाटा मैं कहां से याद करूं, अरे भाई एक डाटा याद कर लो, सबको उसी में घसेड़ दो। अब ये डाटा आप क्या रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हो, बिल्कुल रिपोर्ट में क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हो। अगर आपको आता है टेररिज्म उस पर डाल दो, नक्सलिज्म उस पर डाल दो, हंगर रिपोर्ट उस पर डाल दो, अगर आपको आता है डेवलपमेंट पे उस पर डाल दो, अगर आपको आता है ये डाटा कि भाई जी जीडीपी सॉरी डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है श्रंक बाय मैनी फोल्ड्स, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक नीचे आ रहा है, क्या इस पे ये डाटा डाल सकते हो, यस yes, डाल सकते हो कि भाई जी इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, उसका प्राइम रीजन क्या है, पॉवर्टी, उसका प्राइम रीजन क्या है, हंगर, उसका प्राइम रीजन क्या है, कितना कुछ करा दिया आपको, यस yes, सब कुछ कर सकते हो यार, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, राइट फ्रॉम योर माउथ अप टू योर नीचे तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, वो सारा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे क्या होगा, डन। सो दिस इज बेसिकली अबाउट, तो जो भी आपको पढ़ाता हूँ ना बेटा, उसको साथ रिलेट करने की कोशिश क्या करो आप हमेशा, ठीक है। डाटा जरूरी नहीं कि हर बार मैं करवाऊं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लगाओ, थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ो, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे इस प्रकार को पढ़ेंगे, चलिए आगे करते हैं। हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है, बस 15-20 मिनट और क्लास चलेगी बेटा, बोर तो नहीं हो रहा कोई, गुड, होना भी नहीं चाहिए, चलिए। यार रोहित कुमार जी पता है मेरे को, तभी 11 बजे छोड़ रहा हूँ, आधा घंटा आप खाना खुना खा लेना, ठीक है, चलिए, गुड गुड। तो वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, लेट मी स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इलनेस एंड ए डिजीज, ठीक है। इलनेस क्या बोलते हैं और डिजीज में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। इलनेस इज एनी कंडीशन इन विच द बॉडी और द माइंड फील्स अनहेल्दी, ठीक है। तो दैट कैन बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इंटरनल फैक्टर्स या इलनेस को किसको बोलते हैं, इलनेस एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, जैसे एड्स के कारण एक प्रॉब्लम नहीं आती आपको, एड्स एक डिजीज भी है और एक इलनेस भी है, ठीक है ना। इलनेस क्या होगी, बहुत बड़ी टर्म है, डिजीज क्या है, एक छोटी टर्म, किस प्रकार से, इस प्रकार से सुनो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि भाई इसको जॉन्डिस हो गया, या इसको रीनल कैलकुलाई हो गए, या इसको एक बंदे को क्या कहते हैं हार्ट में कोई इश्यू आ गया, हार्ट में कोई नाड़ी ब्लॉक होगी, ठीक है ना, इम्यूनिटी वीक होगी, यस,
इसके इम्यून सिस्टम पे पूरा एक्ट हो रहा है, तो इसकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है। और आपको पता है वो बंदा डिप्रेशन में भी जाएगा आगे, वो बंदा आगे क्या कहते हैं उसको, सोशल का उसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। यू नो पर्सन विल नॉट, बाकी उसके जो रिश्तेदार हैं उसके साथ गले नहीं मिलेंगे, उसके साथ सोशल बायकॉट होगा, ठीक है ना, चाहे उसकी कोई गलती हो ना हो। तो इलनेस तो ये डिजीज तो होएगा ही होएगा। डिजीज में क्या होएगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वो क्या कहते हैं कमजोर जल्दी हो जाएगा, उसको सुपर इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है। सुपर इन्फेक्शन मतलब आपको पता होगा कि अगर नॉर्मल हमें जुकाम लगता है जो सीजन के चेंज होने पे लगता है, तो हम 3 दिन में रिकवर कर जाते हैं। ये बंदे इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है उनको 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, उसके बाद उसकी जॉब लॉस भी होगी, हो सकता है उसको जॉब लॉस हो जाए, अब वो जिएगा कैसे, हो सकता है जो ना उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाए। तो ये सारी इलनेस में आती है, ठीक है। इलनेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है, एंड डिजीज इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। डिजीज क्या है, वी कॉल दैट एड्स में क्या इफेक्ट हो रहा है, इम्यूनिटी, यू नो एड्स इज अफेक्टिंग योर इम्यूनिटी, ठीक है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। हार्ट अटैक से क्या आपकी इम्यूनिटी में क्या इफेक्ट हो रहा है, आपका हार्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई कहाँ पे होते हैं बताइए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्या इफेक्ट हो रहा है आपका, लंग्स, यू नो दैट, ठीक है ना। बट इनका ओवरऑल मैनिफेस्टेशन इज योर इलनेस, टीवी होगा, यस यू नो, है ना, ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इसमें डिजीज इज ये यूज इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक टर्म यूज टू डिपिक्ट अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन विच हैज सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, एंड कैन बी डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टेस्ट, जैसे कि एड्स के लिए लीसा, टाइफाइड के लिए वाइडाल टेस्ट, ठीक है ना। तो हम इस तरह से ये टेस्ट ये करके पता लगा सकते हैं एक डिजीज को। एक इलनेस बहुत बड़ी टर्म हो जाती है। इलनेस में क्या, सपोज आपका हार्ट में कोई इशू आ रहा है, हार्ट में क्या क्या इशू आ सकते हैं, हो सकता है कि आपकी पसलियां अंदर धस गई हो सकता है कि आप सांस लेने में दिक्कत आ रही हो सकता है कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, बहुत चीजें हो सकती है इलनेस में, बहुत चीजें हो सकती है। डिजीज में वेल्व डिफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात सोफिया जी। तो इलनेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, एंड डिजीज जब आपको पता चल जाता है कि इसको क्या डिजीज है, उसमें वाल्व का डिफेक्ट है या इसमें एक नाड़ी ब्लॉक हुई है, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, तो हम बात करते हैं डिजीज की, ओके, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, स्पेसिफिक डायग्नोसिस, ठीक है जी। लकी समझ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इलनेस एंड अ डिजीज, ओके। तो इट इज अ वेरी मच ब्रॉडर टर्म, दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टर्म। आगे चलते हैं, लोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है बेटा, क्या हो रहा है, टेकिंग मोर टाइम, यस यस यस। हाँ, तो आपको ये भी पता है कि डिजीज डिजीज को कौन कॉज करता है, नॉट इलनेस बट डिजीज को कौन कॉज करता है, उनका एक मुख्य कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा, माइक्रोब्स इंक्लूड्स योर बैक्टीरिया, योर फंगाई, योर प्रोटोजोआ, सम एल्गी एंड वायरसेस, विरॉइड्स और आल्सो प्रियॉन्स, ठीक है। अब आपको पता तो है व्हाट व्हाट इज बैक्टीरिया, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, बताइए, हम पढ़ के आए थे फर्स्ट क्लास जब हम सेलुलर बायोलॉजी में पढ़ के आए थे, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार क्या बात कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई, मोस्टली द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत किया करो, प्रोकैरियोटिक, द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स, एंड व्हाट आर प्रोटोजोआ, एनीबॉडी, अरे नहीं यार ऐसा मत बोलो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, यू श्रुति जी, शिवम जी, दे आर यू कैरियोटिक बट दे आर सिंगल सेल्ड, इनको हम सिंगल सेल एनिमल्स भी बोलते हैं, याद रखो सिंगल सेल एनिमल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, हमेशा याद रखना। प्रोटोजोआ होते हैं जो, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, एक ही सेल होता है उसका, ठीक है जी, ये समझ लग गया आपको, ओके।
हम कौन से हैं? वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स हैं, हर विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं। यस, एंटमीबा हिस्टोलिट का बिल्कुल सही बात सोफिया जी ने बोली। तो प्रोटोजोआ में आपको बताना, पैरामीशियम जो आपको मलेरिया कॉज करता है वो भी एक क्या है? प्रोटोजोआ। तो कई बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो उसमें दे दिया जाएगा मलेरिया, उसमें दे दिया जाएगा फूड पॉइजनिंग, उसमें दे दिया जाएगा आपको आ, 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 टीबी, उसमें आपको दे दिया जाएगा एड्स। तो विच आर द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इनमें से टीबी, एड्स, फूड पॉइजनिंग एंड मलेरिया, क्या है आंसर इसमें? अभी तक सबने आंसर नहीं दिया, ठीक, किसी ने नहीं आंसर दिया, ठीक है। सबको मलेरिया का पता है, किसी को पता नहीं कि फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है, ट्रेवलर्स डायरिया कौन कॉज करता है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, अभी तो बात किया, अमीबा कॉज करता है भाई इसको। तो दैट इज योर प्रोटोजोअन डिजीज, ये वाली आती है, दोनों ट्रू है, मलेरिया भी और फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग सिर्फ एक कारणवश नहीं होती, हम पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, ये आपका अमीबा भी कॉज कर सकता है, जैसे आएगा मैं आगे बताऊंगा कैसे डिफरेंशिएट कर, ठीक है जी। चलिए, ये समझ लगा आपको व्हाट व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए प्रोटोजोआ, ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल, ये यूकैरियोटिक मल्टीपल सेल्स, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। वायरस का तो पता है आपको, वायरस सबसे छोटे होते हैं, वायरस, वीरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, प्रियॉन्स सबसे छोटे होते हैं। प्रियॉन्स में क्या होता है? केवल प्रोटीन होता है और कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ओनली प्रोटीन्स। तो ये जो है ये सबसे छोटे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए में या वायरसेस में होता है। प्रेडनिसोलोन, ये तो एक, क्या बात कर रहे हैं ये रिपिका जी, इसके बारे में, प्रेडनिसोलोन, स्टीरॉयड है ये, क्या पूछना है इसके बारे में? हाँ चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्रुप हमें हम जाना चाहते हैं। तो आगे देख लो इनका, फंगाई में आपको पता है, फंगी में वो आपने देखा होगा उल्ली लग जाती है, यीस्ट बन जाता है ना, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन तो दवाई है बेटा, प्रोटोजोआ भी होता है क्या? ये दवाई है प्रेडनिसोन। तो बैक्टीरिया क्या आपके बारे में बता दिया कि जैसे आप दही खाते हो वो भी लैक्टोबैसिलस से बनता है, आपको पता है लैक्टोबैसिलस से बनता है, और भी हम बात करते हैं एल्गी भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, ठीक है। नाउ वी नीड टू, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, ओके कोई बात नहीं रुपका। चलिए तो व्हाट इज दैट बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउ हेल्थ हेल्थ और हेल्दी माइंड। ये देखो, ये आप ऐसे में लिख सकते हो, आपको ऐसे आ सकता है, ऐसे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो ऐसे में आप लिख सकते हो, अब बोलो सर जी हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी पेपर में आ गया, ऐसे आता वो आएगा और आया भी हुआ है, आप चेक करोगे पिछले, अगर आप 5 साल 6 साल के पेपर में आया हुआ चेक कर, ऐसे में उसमें अब आप डेफिनेशन लिखोगे, स्टार्ट विद ए डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे कि COVID-19 की भी मैंने के ना आपको करवाई हुई है, उसमें वो बताता है, लेट मी चेक क्या लिखी थी मैंने उसमें, था कि सेफ्टी इज इम्पेरेटिव या कुछ ऐसे था, सेफ्टी इज नॉट ओनली नेसेसरी, इट इज प्राइसलेस। तो क्या अगर आपको पेपर में कोविड पे कोई आता है, एपिडेमिक के ऊपर कोई पेपर में आता है, तो क्या आप ये कोट कर सकते हो फर्स्ट लाइन में, सेफ्टी इज नॉट ओनली नेसेसरी, इट इज प्राइसलेस। ये WHO का जो अभी का हमारा वो है चेयरमैन है ना, प्रेसिडेंट आई थिंक, तो उसने ये बोला था कि सेफ्टी सिर्फ नेसेसरी नहीं है, ये प्राइसलेस है। तो अगर आपको कोविड के ऊपर आता है कि कोविड की स्ट्रेटेजीज इंडिया ने जैसे यूज की है, क्या वो ठीक है या गलत है, या एपिडेमिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, क्या यू कोट दिस थिंग? यस। अगर आपको हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी आता है पेपर में टॉपिक, कैन यू कोट कि हेल्थ किसको बोलते हैं? आपको डेफिनेशन का तो पता होना चाहिए, हेल्थ किस तरह से डिफरेंट है
एक डिजीज से क्या ये डिफरेंट, क्या ये कर सकते हो आप? डिजीज की डेफिनेशन भी बता दी आपको, हेल्थ की डेफिनेशन भी बता दी आपको, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सिर्फ फिजिकली कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए, सोशल वेलबींग का भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। सोशल वेलबींग क्या होता है कि आप सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से रह रहे हो, हेल्थी माइंड है आपका, हेल्थी बॉडी है, तो इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। ये फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इन शॉर्ट कंक्लूजन में लिख सकते हो कि हेल्थी बॉडी इन ए हेल्थी माइंड विल लीड टू ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, ये आपका मतलब एक ये बताता है कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, ये कुछ इनोवेशन है। ठीक है ना, तो अब लिखना तो सबने एक जैसा ही होता है भाई, ये चीजें होती है, ये चीज आपने क्या डिफरेंट लिखा है? क्या आप ऐसा लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे? बिल्कुल सही बात है, आपको नंबर मिलेंगे, आपकी सोच के, इनोवेशन के, क्रिएटिविटी के, कोहरेंस के, सबके नंबर मिलते हैं भाई, इस तरह से नंबर मिलते हैं आपको। चलिए, तो आपको बता दिया कि फिजिकली भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली भी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे यही क्वेश्चन को अगर आप स्ट्रेस के ऊपर ले ले तो, स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस इज द बेन ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। अरे पोएट्री नहीं यार, ऐसा मत करो कि दीवाने नहीं हो ना आपने। ठीक है, कोट इज डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री। ओके, स्ट्रेस इज द बेन ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस, अगर ये क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है, स्ट्रेस इज द बेन, बेन होता एक श्राप है, इज द मॉडर्न एग्जिस्टेंस, आजकल की लाइफस्टाइल का स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है, ये भी बात मैं बोल सकता हूँ, या स्ट्रेस एक श्राप है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये भी लिख सकते हो उसमें, हेल्दी बॉडी रिजाइड्स इन ए हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, सॉरी, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो आप हैप्पी लाइफ लिख सकते हो, डी स्ट्रेस लाइफ लिख सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, और भी एक टाइम कभी टाइम लगा तो लूंगा इसके ऊपर क्लास। चलिए, तो स्ट्रेस के बाद में बात कर ली हमने, डिजीज के बारे में बात कर ली, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस को पता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, दैट वी विल के इसमें क्या आएगा बताओ, क्या एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है कि नॉन इन्फेक्शियस है, बताइए। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है कम्युनिकेबल, यस, इसको आप इन्फेक्शियस भी बोल सकते हो, इसको आप कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब जो पर्सन टू पर्सन फैलने से यस रोकता है, होती है। नॉन इन्फेक्शियस है जो ट्रांसमिट नहीं होती पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बताइए कौन कौन सी है, क्या एक कोरोना वायरस इज इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, यस कम्युनिकेबल। क्या एड्स है कि नहीं कम्युनिकेबल, इट्स ए कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, ओके, इट्स नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल, इट्स ए कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। ओके, व्हाट इज, अगर मैं बात करूं क्वाशकर एंड मरास्मस या स्कर्वी की बात करती हूँ, क्या ये नॉन इन्फेक्शियस है कि इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, किसी बंदे को विटामिन सी डेफिशिएंसी है, इसका मतलब नहीं कि आपको भी विटामिन सी डेफिशिएंसी होएगी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और एक चीज आती है, कम्युनिकेबल हो गया, अब आता है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। एक मतलब होती है ये, जैसे अक्यूट क्रोनिक का क्या मतलब होता है, अक्यूट आपने देखा होगा आपको बुखार हुआ, दो तीन दिन बुखार रहता, चौथे पांचवें दिन ठीक पड़ना शुरू होता, विद इन वन वीक यू आर परफेक्टली ऑलराइट। तो अक्यूट इज एक से सात दिन के बीच में जो ठीक हो जाता है, या एक अक्यूट जो डिजीज है वो एक से सात दिन या पंद्रह दिन के बीच में आती है, तो हम उसको बोलते हैं विद इन टू वीक्स अक्यूट। अगर दो वीक से ज्यादा टाइम ले रही है वो आने में, तो वो क्रॉनिक हो जाती है, जैसे कि एड्स। पता है, अगर एड्स बंदे को आज हो, किसी बंदे को ना हो वैसे, तो उसको पांच से दस साल लगते हैं आने में, मैनिफेस्टेशन आने में, डिजीज को एक्सप्रेस करने में। इसका, इसके लिए बोलते हैं इसका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एड्स आप किसी को अगर आज कॉन्टेक्ट हुआ है तो पांच से दस साल लगेंगे उसके सिम्टम आने में। तो कौन सी डिजीज है, ये क्रॉनिक है कि एक्यूट है, बताइए। ठीक है, ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं एक बंदे को, एक डॉक्टर के पास जाते हो आप अपने दोस्त को लेके, वो डॉक्टर आपके
कहां ऊपर लिख देता है जो भी आप कार्ट लेके जाते हो उसके ऊपर लिख देता है अक्यूट एस्थमा अटैक। इसका क्या मतलब हुआ? अक्यूट मतलब अभी अभी हुआ, बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी स्प्रेड किया। अस्थमा का मतलब आपको पता है, अटैक का भी मतलब आपको पता है कि इस बंदे को अभी अभी अटैक हुआ। किसका? अक्यूट अटैक हुआ किसका? अस्थमा का। अगर कोई इस तरह से लिख रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इससे क्या समझते हो, इससे क्या आप चीज समझते हो? ब्रोंकाइटिस, डॉक्टर ने लिखा यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक मतलब बहुत टाइम लेके ये चीज बनी हुई है, ठीक है, बहुत टाइम तक रह सकती है। ब्रोंकाइटिस लंग की। आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। लंग के जो नाड़ियां जा रही हैं या ट्रेकिया जा रही हैं, ये ब्रोंकियस जा रही है, उनकी इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, सोजिश, ठीक है, वो है। तो हर चीज के पीछे, डायग्नोसिस के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये समझ लग जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन है, ये क्रॉनिक है, ये अक्यूट है, ये चीज है, ये बनाना, ठीक है ना। अक्यूट रीनल फेलियर, इसका क्या मतलब बनेगा? क्या चीज फेल हुई है? जल्दी बताइए, किडनी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, अक्यूट किडनी फेलियर, मतलब इसका मतलब क्या है? अब कोई आपने ऐसी दवाई खाई है या कुछ ऐसा किया है जिसने आपकी किडनी को एकदम से शट डाउन कर दिया। क्रॉनिक किडनी, क्रोनर रीनल फेलियर आपको बता दिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का लास्ट हम बात करके आएंगे, किसकी इन्फ्लेमेशन है? स्पेसिफिकली कहां पे होता है ग्लोमेरुलस? यस, नेफ्रॉन्स में। बहुत बढ़िया, तो नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन, किडनी की इन्फ्लेमेशन। यू आर गेटिंग इट, गुड गाइस, पढ़ रहे हो आप समय, ठीक है ना। तो कोई इतनी मेडिकल साइंस डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतना बड़ा डायग्नोसिस डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए, डिजीज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं सारे के सारे, दे आर कवर अवर पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं, हमेशा याद रखना, पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट भी एक तरह के पैथोजेंस ही होते हैं, बिकॉज दे हार्म द होस्ट, ठीक है। पैरासाइट, पैरासाइट कौन कौन से होते हैं? आपको प्लाज्मोडियम के बारे में पता होगा, आपको प्रोटोजोआ के बारे में, हमने अमीबा के बारे में बात की, वो बताया। पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स का मतलब क्या है? ये आपकी बॉडी के सेल्स को हार्म पहुंचाते हैं, टेपवर्म, वो हेलमिंथ में आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुमन प्रकौर जी। वो नहीं होते कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, अभी याद है आपको, इसके बारे में पता हो आपने कि आपने उसके लिए दवाई भी खाते हैं वो लोग, है ना, दवाई खाते हैं स्पेशली, जिससे वो कीड़े कीड़े से बाहर निकलते हैं, अंतड़ियों में बहुत सारे कीड़े होते हैं ना, तो वो पैरासाइट, वो भी क्या है? वो पैरासाइट्स है, ठीक है। वो हम उसको क्लासिफाई करते हैं हेलमिंथ, क्या होता है हम बात करेंगे, टेप फॉर्म हो गया, फ्लैट फॉर्म हो गया, यस, हेलमिंथ्स में आते हैं। ये हम डाइवर्सिटी कराऊंगा ना, जब मैं कर्टम कराऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, तो ये सारे के पैथोजन का मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, वायरियड्स भी हो सकता है, प्रियॉन्स भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, हेलमिंथ भी हो सकता है, कोई भी चीज के कारण पैथोजन हो सकता है, ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है। चले आगे, बस एक लास्ट, और नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी को डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक डिजीज आपके अंदर ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है जी। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका, या तो आप कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। लेट अस डू वन बाय वन। एयर से क्या हो सकता है? कोरोना, यस, कोरोना एयर से हो सकता है। नजला जुकाम, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा हवा से हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोई और एग्जाम्पल बताओ एयर से जो ट्रांसमिट होता हो। टीवी, बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया। टीवी इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू एयर आल्सो, ठीक है। तो तीन जगह से आप कर सकते हो, ये आपको पता चल गया कि एयर से क्या क्या ट्रांसफर होता है। वाटर से क्या क्या सकता है? आई फ्लू इज बेसिकली फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ओके, श्योर। ये नहीं कि किसी ने आंख, आपने या किसी की आंख देख ली आपको हो गया, ठीक है।
आप उसकी हाथ लगाते हो फेस पे, और वही आप अपनी आंख में लगाते हो तो फेस से कांटेक्ट हो सकता है। यस, बहुत बढ़िया। टाइफाइड हो सकता है वाटर से, कॉलरा हो सकता है वाटर से, इबोला वायरस हो सकता है आपका वाटर से, ये सारे कुछ हम पढ़ेंगे। ये आते हैं वाटर के एग्जाम्पल। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए पैथोजन टेकन फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल? कंटेमिनेटेड सॉइल, बताइए इसका आंसर क्या है। कोई ऐसा प्राणी? नो, फूड पॉइजनिंग नहीं। कंटेमिनेटेड सॉइल से क्या मतलब है? यस, वी कैन से फूड पॉइजनिंग इट वेरी क्रूड सेंस। स्किन इन्फेक्शन वी कैन डू। सबसे बड़ी चीज टैटनस, टैटनस जो होता है वो कंटेमिनेटेड सॉइल होता है। समझे? आपको कभी लोहा लगा हो या आपको कभी ग्राउंड में खेलते खेलते चोट लगी हो, तो सबसे पहले डॉक्टर, जब चोट ज्यादा गहरी होती है तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल टाइफाइड भी हम बोल सकते हैं, तो कंटेमिनेटेड सॉयल से सबसे पहले आपको टीका लगाया जाता है, नोट सिलिकोसिस बेटा, तो उस टीके का नाम होता है टेटनस का टीका। टेटनस का टीका किसके खिलाफ लगाया जाता है? एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, उसके लगा। बहुत गंदी और बहुत भयानक बीमारी है बेटा ये। वी विल डिस्कस दिस जैसे जैसे आगे आएगा। तो ये करते हैं, व्हाट आर द डिजीजेस, ठीक है, दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट? एड्स, यस, बहुत बढ़िया। और बताइए, एड्स तो इट्स वेरी कॉमन, व्हाट एल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टेक्ट? अरे भाई, एचआईवी और एड्स वन एंड द सेम थिंग। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा है ना, सिफिलिस, बहुत बढ़िया। ये एक डिजीज, ये पैथोजन है, और एड्स डिजीज है, ये फर्क होना आपको समझ आना चाहिए। एचआईवी जो है वो पैथोजन है, एड्स डिजीज है, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यस बिल्कुल सही बात है, यस, सेफलिस बिल्कुल, पेपिलोमा वायरस बिल्कुल सही बात है, यस, थ्रू ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड्स, यस, वी कैन से हेपेटाइटिस आल्सो इज वन ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन। गनोरिया, बहुत बढ़िया सोफिया विलम। क्लैमिडिया, बहुत बढ़िया यार, आप तो डॉक्टर हो। कोमल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सारी एग्जांपल्स हैं। गोनोरिया, साइफिलिस, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आते हैं। नो, रेबीज नहीं आते हैं इसमें, जो नहीं, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, वो वेक्टर डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। तो वी हैव डन गोनोरिया, वैसे तो लिखा ही हुआ है देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी होगी, एड्स, ये सारा कुछ ये इसमें आएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी आपको पता है कि बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। कौन से डिजीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होते हैं? एचआईवी होता है, यस, एड्स होता है, यस, हेपाटाइटिस भी याद रखना, हमेशा ब्लड ट्रांसफॉर्म के कारण होता है। आपने देखा होगा पंजाब में खास करके, बिकॉज यहाँ पे ड्रग्स के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई बार क्या होता है कि बिना चेक किए गए आपके ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को ऊपर चढ़ा दिया, तो हेपाटाइटिस बी का चेक नहीं किया, उसको हेपाटाइटिस बी हो सकता है, वो ब्लड से होता है। फिको ओरल रूट, ये एक तरह का सॉयल से ही होता है या वाटर से होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी किसी के जिसने स्टूल पास किया, जिसने मतलब पास किया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर एक मक्खी बैठ गया और उसे ही मक्खी आपके खाने के ऊपर आके बैठती है, तो फीको ओरल रूट ये मतलब होता है, ठीक है जी। ओके, एक और होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? वही स्नीजिंग के कारण, पता है कि जो जिस बंदे को खंग जुकाम लगी हुई है, वो अगर छींकेगा तो वो हर जगह पे फैला देगा जर्म्स, आपको पता होगा, है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड ग्राम। तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये आपको पता होना। जब भी आपने डिजीज पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा कल कि किस तरह से आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है, एक तरफ लिखा होना डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो वायरस है क्या, वो बैक्टीरिया है क्या, वो हेलमिंथ है क्या, वो पैरासाइट है या किस तरह से, वो आपने एक तरफ लिखना है। नेक्स्ट टेबल में लिखना है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से फैलता है, फंगाई कैसे फैलता है, फिकोरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, एयर, वाटर, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ये आपने यहाँ पे लिखना है।
फिर हम लिखेंगे थोड़े से साइन एंड सिम्टम्स, और फिर प्रिवेंशन करने के लिए क्या कर सकते हैं या इसका कंट्रोल करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं। ये चार टेबल बनाने हैं, कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने बनाना है इसको, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी नीड टू डू अबाउट हेल्थ एंड इसके बारे में। तो कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको, कल वी विल प्रोबेबली खत्म कर देंगे इसको जितना भी हो सका, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग सच सच ब्यूटीफुल क्लास, आप बड़े पेशेंट हो, ठीक है। तो इसी तरह अपने स्टार्ट कर देना, होपफुली आज आपको कुछ समझ लगा होगा कोई ऐसे को किस तरह से किस प्रकार से डील करना, ठीक है। तो बेटा डू, आप अपने ग्रुप में भी शेयर किया करो, अपने जो किसी अगर आप आगे भी जाके शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी और को भी, यू कैन शेयर इट, वीडियो को लाइक आप किसी को भेज सकते हो, ठीक है। तो यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है, टू माई चैनल, टू अवर चैनल, ओके। थैंक यू बेटा, बाय बाय।